ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हेलो कप्तान साहब, बहुत अच्छे। चलिए साहब, अनिर्बान फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा नई टॉपिक है, तो थोड़ा सा समय आपको लगेगा बट चीजें बहुत अच्छे से महसूस होंगी। इट्स नॉट लाइक आंसर की अलग अलग फैकल्टीज जो हैं, अलग अलग एजुकेटर जो हैं वो क्लासेस ले रहे हैं। कल मैंने दो क्लास ली थी, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की और डेटा स्ट्रक्चर्स की। आज मैं एक और क्लास लूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम की, और मेरे ख्याल से जो बाकी फैकल्टीज हैं वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले रहे हैं। यस, चलिए तो अभी जो हमें बात करनी है वो बात करनी है स्टैक के बारे में। यस, स्टैक की अगर खास बात आपसे करूं, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। अगर स्टैक की खास बात आपसे करूं तो मुझे बताएंगे इस स्टैक की क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर साइंस के अंदर? स्टैक, ओके, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, बिल्कुल सही नेचर आप बता रहे हैं। और देखिए, स्टैक सिर्फ, मैं क्या बोलूंगा, स्टैक सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, एक तगड़ा अप्रोच है। रिकर्सिव कॉल, वेरी गुड, फंक्शन कॉल करना है, रिकर्शन करना है, वो सब का सब जो पूरी फिलॉसफी, पूरा आइडिया है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बिल्कुल सही बात है। ये सारा का सारा आइडिया सिर्फ मेंटेन एक ही डेटा स्ट्रक्चर की या एक ही अप्रोच की मदद से हो सकता है, वो है स्टैक। इवन अगर आपको याद हो, टीओसी के अंदर भी फाइनाइट ऑटोमेटा को जब मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर हैं, बट हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं बताओ? वेरी गुड, पीडीए। पीडीए के अंदर मेमोरी क्या कहाँ से लगाते हैं? स्टैक से ही लगाते हैं, है ना? तो स्टैक एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेमोरी आप बोल सकते हैं ऐसा है, और किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है उसको जानेंगे। और जाहिर सी बात है, जैसा इस बार भी आपने देखा पेपर में, रिकर्शन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो जो एप्लीकेशन है स्टैक की, यानी कि रिकर्शन और कुछ अलग अलग आइडियाज हैं, उनके ऊपर और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यस, यही इंटेंशन होने वाली है इस चैप्टर की। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं वन बाय वन, तो स्टैक क्या है? स्टैक इज ए नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप मुझे बताएं क्या ये बात सच है? स्टैक जो है, क्योंकि जैसे हमने पहला पढ़ा था ना डेफिनेशन, बिल्कुल सेम बात है, इट इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो स्टैक इज नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर है, लीनियर क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली जो अप्रोच हमने, या जो मैंने आपको आइडिया बताया था लीनियर और नॉन लीनियर का, किसी भी एलिमेंट के आगे और पीछे एक एक एलिमेंट ही है। इट इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट इन विच एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड डिलीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम इज डन फ्रॉम ओनली वन एंड नोन एज टॉप ऑफ द स्टैक। यस, इसके लिए अब देखो, आपको स्टार्टिंग से क्लास देखना पड़ेगा। जो डेफिनेशन है प्रिमिटिव, मतलब मान लीजिए जो पहले से मौजूद हो, स्टैक जो हमें खुद डिफाइन करना पड़े, इजंट इट? तो क्या आप जाके ऐसा समझिए कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके स्टैक डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर कर सकते हैं, कैरेक्टर कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, ना? तो स्टैक पहले से नहीं है, इसका मतलब ये नॉन प्रिमिटिव है ना? प्रिमिटिव मतलब जिसको आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। और ये देखिए क्या बोल रहे हैं, इंसर्शन डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड। एक तरीके से ऐसे मान लीजिए, अगर आप विजुअलाइज करें, लुक एट दिस, मैं हॉरिजॉन्टली बनाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, एरे तो हम विजुअलाइज करना जानते हैं। अब एरे को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ कि इंसर्शन और डिलीशन, है ना, सिर्फ एक ही एंड से किया जा सकता है। इंसर्शन एंड डिलीशन, हेलो निखिल, गुड मॉर्निंग। इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन ओनली फ्रॉम वन एंड। अगर सिर्फ एक ही एंड से इंसर्शन डिलीशन हैंडल किया जा सकता है, तो अब इस मॉडिफाइड एरे को मैं क्या बोल सकता हूँ? स्टैक। अच्छा, ऑब्वियसली अगर आप एक ही एंड से इंसर्शन डिलीशन करोगे तो किसी भी टाइम पे कितने एलिमेंट एक्सेसिबल होंगे मुझे बताओगे? गुड मॉर्निंग, सिर्फ एक एलिमेंट जिसको हम क्या बोलेंगे? टॉप ऑफ द स्टैक, है ना? और कायदे से
स्टैक टॉप के नीचे क्या है, विच इज द सेकेंड एलिमेंट, क्या हमको ये पता होगा? मुझे बताओ, क्या बिना स्टैक टॉप को हटाए हम डायरेक्टली सेकेंड एलिमेंट रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ एक ही बात पता है कि स्टैक टॉप एलिमेंट क्या है। बहुत अच्छे। अगेन, अगर एक बात छोटी सी आपसे और करूं, जो हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जब भी हम इससे कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो हर डेटा स्ट्रक्चर कुछ अपने वर्ड्स लेके आता है। वेरी गुड। उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे? पॉप करना, POP, पॉप। सिमिलरली, जब भी हम इसके अंदर कुछ इंसर्ट करते हैं, कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज पुश करना, PUSH, पुश। जैसे जब हम क्यू की बात करेंगे, विनेस बार बहुत सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है गेट के अंदर, इंसर्शन डिलीशन और पुश और पॉप का, वहां पर भी स्टैक में पुश और पॉप वाली ही टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी। बहुत सिंपल, बस एग्जामिनर ये देखना चाह रहा था कि पुश और पॉप का बेसिक मतलब, बेसिक आइडिया आपको क्लियर है कि नहीं है, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। द एलिमेंट विच इज एडेड इन द लास्ट विल बी फर्स्ट टू बी रिमूव्ड, एंड द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट विल बी द लास्ट टू द रिमूव। सही बात है, जो आप मुझसे स्टार्टिंग में बोल रहे थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। इवन अगर आपको याद हो, या जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, TOC के अंदर जब हम बात करते हैं स्टैक की, तो इफ आई पुश ए बी सी, मान लीजिए सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, लेकिन जब मैं पॉप करूंगा तो क्या पॉप होगा? पहले सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। तो वहां पर तो इस बात को हम समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट स्टैक ऑटोमेटिकली एक्ट्स एज स्ट्रिंग रिवर्सर। स्टैक जो है वो स्ट्रिंग रिवर्सल का काम कर देता है। अगर आप W पुश करोगे तो ऑब्वियसली WR पॉप होगा। फॉलो कर पा रहे हैं? इफ यू पुश W देन ऑटोमेटिकली WR विल गेट पॉप। तो स्ट्रिंग रिवर्स की तरह काम करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट आउट लास्ट इन, लास्ट आउट फर्स्ट इन, दैट इज इट। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट। जो टॉप का एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा बार एक्सेस होगा, बिकॉज आपको किसी भी एलिमेंट तक पहुंचना है तो किसके थ्रू पहुंचना पड़ेगा? स्टैक के थ्रू, टॉप मोस्ट एलिमेंट के थ्रू। वेयर द लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एक्सेसिबल एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज बॉटम ऑफ द स्टैक, ऑब्वियसली जो सबसे लास्ट में है। यस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। किस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी भाई? अभी रुक जाओ लवजीत, किस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी? अभी बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक बात समझिए, नहीं वो डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है ना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर स्टैक को इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, बहुत सिंपल आइडिया, तो क्या जैसा भी मैं आपसे एग्जांपल दे रहा था, एरे को मॉडिफाई करके भी स्टैक की तरह यूज किया जा सकता है? कैन वी यूज अ एरे और मॉडिफाई अ एरे टू यूज इट एज अ स्टैक? बिल्कुल किया जा सकता है। और उस आइडिया को देखिए, हम यहाँ पर बोलते हैं स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर गौर करिएगा। Here array is used to create a stack. It is a simple technique, but not flexible way of creation, as the size of a stack has to be declared during the program design and after the implementation. It is not efficient to represent or to with respect to memory utilization. देखिए, array की problem आप जानते हो। Array जो है, अगर एक बार आप उसे declare कर दे तो run time पे क्या उसका size change किया जा सकता है? नहीं। तो अगर मैं आपसे एक simple सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए आपको नहीं पता कितने एलिमेंट आने वाले हैं, आपने आपको लग रहा था 5-6 आएंगे, बट अंदाजा लेके आपने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज था 10, है ना? अब अगर वहां पे सच में दो ही एलिमेंट आए तो जो बचे हुए 8 सेल्स हैं, जो बचे हुए 8 सेल्स हैं, क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर दो ही एलिमेंट आए तो बचे हुए जो 8 सेल है, नहीं। उसी को मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इजंट इट? That is internal to the allocation. तो मैंने आपको space allocate कर दिया, but अब आप उसको utilize नहीं कर पा रहे। Now that is internal fragmentation. अच्छा, run time पे अगर 20 लोग आ गए तो आपके पास 10 cells ही हैं, तो क्या array के size को increase किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। Follow कर पा रहे इस point को? वेरी गुड। तब उसको इंक्रीज भी नहीं कर सकते। नाउ दैट इज कॉल्ड, डोंट से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज उसके आइडिया कुछ अलग अलग होते हैं। वैसे है ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये पॉइंट क्या है? देखिए, पॉइंट ये है कि ऐसा हो सकता है कि मेमोरी में 10 यूनिट्स अवेलेबल हो, लेकिन अब वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपको तो कंटिग्यूस ही चाहिए।
देखिए मेरा 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 पॉइंट सुनिएगा। अभी देखो आप बोल रहे हो कि आपकी फर्स्ट क्लास है, अभी आप अलग अलग क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। रुक जाओ, रुको, थोड़ा सब्र करो। अच्छा तो मैं बोल रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड, हालांकि मैं आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो डीलिंग विद द टर्म एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बट अब आप बोल रहे हो तो मैं रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ। यू नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज इंटरनल टू द एलोकेशन, है ना, कि भाई जितना स्पेस आपने एलोकेट किया वो प्रोसेस उसे यूटिलाइज नहीं कर रही है, बट एज अ सिस्टम अभी ये स्पेस क्या मैं किसी दूसरे प्रोसेस को दे सकता हूं? नहीं दे सकता, तो ये वेस्ट हो गया। एक बात, अभी दूसरी बात सोचो, रन टाइम पे एरे को अपना साइज बढ़ाना है, लेकिन जहां पे मेमोरी में एरे स्टोर है उसके आगे जगह नहीं है, कहीं दूसरी जगह स्पेस अवेलेबल है, तो क्या एरे किसी दूसरी जगह स्पेस लेगा या उसको कंटिग्यूस ही चाहिए? तो यार एरे का तो पूरा गेम ही कंटिग्यूस पे है। एरे बोलेगा बात स्पेस की नहीं है, बात कंटिग्यूस एलोकेशन की है। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, स्पेस अवेलेबल है, मैं फिर भी वो स्पेस एलोकेट नहीं करा पा रहा बिकॉज वो कंटिग्यूस अवेलेबल नहीं है, वो मेमोरी के दूसरे लोकेशन में अवेलेबल है। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, नाउ दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। व्हाट? व्हेन द स्पेस कैन नॉट बी एलोकेटेड बिकॉज इट इज नॉट कंटिग्यूस टू द एलोकेशन, इजंट इट? तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए खैर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम पेजिंग वगैरह और न जाने क्या क्या करते हैं, बट बेसिक आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके तो खैर एरे के अपने अलग फायदे। देखिए एरे की जब बात करते हैं ना, तो एरे का जो एडवांटेज है, ये स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन को जो एडवांटेज है, वो मेमोरी की टर्म्स में है या टाइम की टर्म्स में, ऐसा बताओ। एरे का जो एडवांटेज है वो हमेशा मेमोरी की टर्म्स में नहीं है, हमेशा टाइम की टर्म्स में। नो नो नॉट बोथ। क्या एरे मेमोरी का बहुत एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है? नहीं, दोनों तरह से वेस्ट करेगा, या तो कम पड़ेगा या तो ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बेस सेटर्स दूं, आपने फॉर्मूला निकाले ना, डिराइव किए हैं, कि आप kth इंडेक्स का लोकेशन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ आपने किया है ना, किसी भी एलिमेंट kth इंडेक्स का कैसे निकालेंगे? बेस एड्रेस प्लस वेट, और फिर जो भी आपका इंडेक्स है दैट इज k माइनस लोअर बाउंड ये एलिमेंट आपसे पहले है, दैट इज इट, इजंट इट? तो एक्सेस बहुत फास्ट है, बट खैर अगेन एज पर द रिक्वायरमेंट हम समझ रहे हैं। तो आप चाहो तो एरे को बस मॉडिफाई कर लो और एक नियम बना लो कि है ये सब एरे, लेकिन इंसर्शन डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन। मुझे बताओ क्या बोलेंगे? इंसर्शन डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से हो सकता है इन सम मॉडिफाइड एरे, देन दैट विल बी कॉल्ड अ स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन। बट अगेन अब आपको समझना पड़ेगा, क्या एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं पुश ऑपरेशन हमें रोकना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अगर आपको पहले से पता है कि भाई इतने ही स्टेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इतना ही साइज है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बड़ी आसान है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। सही बात है। अच्छा एक आइडिया और हो सकता है ना, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। नाउ व्हाट इज डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन? कैन यू यूज अ लिंक लिस्ट? कैन यू यूज अ लिंक लिस्ट? तो इमेजिन करिए, अब यहां पर एक तरह से इसने लिंक लिस्ट बनाने की कोशिश की है। अगर मैं आपसे बोल दूं इन अ लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन डिलीशन कैन बी डन ओनली फ्रॉम द फर्स्ट नोड, इमेजिन करिए, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन ओनली बी डन ओनली फ्रॉम द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, तो क्या ये स्टैक की तरह बिहेव करेगी लिंक्ड लिस्ट? सोचिए आप। अब देखिए यहां पर एक नोड आया वन, ये तो नल है, यानी कि दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट। फिर दूसरा नोड इंसर्ट किया तो वन के पहले टू आया। अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊं तो इधर वन है, फिर वन के ऊपर टू है, फिर टू से पहले थ्री आया, इजंट इट? लेकिन जब मैं नियम आपको समझा रहा हूं कि सिर्फ फर्स्ट पॉइंट से इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं, तब सोचिए जरा आप, क्या आप यहाँ पे अब यू नो वन को डिलीट कर पाएंगे? नहीं, पहले थ्री डिलीट होगा, फिर टू होगा, फिर वन होगा। सो नाउ टेक्निकली इट इज बिहेविंग एज स्टैक, है ये लिंक लिस्ट, लेकिन ये बिहेवियर आपको किसका देगा? स्टैक का देगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? यस,
बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ मुझे सोच के, अगर इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे क्या कभी ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आएगा? प्लीज टेल मी दिस, इफ आई इम्प्लीमेंट लाइक दिस वे क्या कभी भी ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा, अनलेस एंड अंटिल सिस्टम में ही जगह ना बचे, इजंट इट? वेरी गुड सागर, जब मेमोरी फुल हो जाए, सिस्टम में एक भी लोकेशन ना बचे, तभी आपको ओवरफ्लो देगा, क्योंकि इसके पास तो ये तो पॉइंटर, इसके पास अगर कहीं भी स्पेस अवेलेबल होगा तो यूज करेगा। बट अगेन क्या यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा स्लो होगा अगर डायनेमिकली इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, लेकिन देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, और स्लो से फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज क्या आप कभी भी डायरेक्टली किसी स्टैक का लास्ट नोड एक्सेस करते हो? क्या करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं है? फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? तो अगर आपको हर बार टेक्निकली सिर्फ टॉप ही एक्सेस करना, और टॉप हम आपको डायरेक्ट एड्रेस दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिसएडवांटेज होता है लिंक लिस्ट का, कि भाई स्लो होगा, वो डिसएडवांटेज शायद यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि टेक्निकली मुझे सिर्फ फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट ही एक्सेस कराना है, तो डिसएडवांटेज यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? बहुत अच्छे, वेरी गुड। नाउ ये बात आप फॉलो कर पाए, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द नेक्स्ट एड्रेस कुड बी डिसएडवांटेज, यू कैन ट्रीट इट एज ओवरहेड, बट देखिए ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये जो पॉइंटर है तो लिंक लिस्ट के साथ हमेशा लगे हैं, है ना? तो एक लेवल तक आप मान सकते हैं इट्स ओवरहेड, डोंट कॉल इट डिसएडवांटेज, उसको मैं तो ओवरहेड बोल देते हैं, कि हाँ थोड़ा एडिशनल खर्चा आपको करना पड़ेगा। ये बात तो सही है, इसमें तो लास्ट नोड शायद आप लिखना चाह रही थी प्रिया, एक्सेसिबल है ये पूछना चाह रहे हैं? अच्छा कैसे एक्सेसिबल है मुझे बताओगे एक बार? देखिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इंसर्शन डिलीशन सिर्फ टॉप नोड का ही कर सकते हैं, तो फिर कैसे एक्सेसिबल हुआ बताओ? आप जब भी एक्सेस करोगे आप हमेशा फर्स्ट नोड ही एक्सेस करोगे, क्या आप ये बोल रहे हो कि फर्स्ट नोड से एक पॉइंटर है जो नेक्स्ट पे जाएगा, या नेक्स्ट से एक पॉइंटर है जो आगे जाएगा इन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके? पर सर फर्स्ट नोड डिलीट करने के बाद तो दूसरा नोड टॉप पे चला जाएगा। हाँ चला जाएगा, तो नहीं जाना चाहिए था क्या? एक काम करो, कर लो, पहले लिख लो, इतने कमेंट लिखो कि मैं जो हूं वो सब प्रोसेस ना कर पाऊं, कर लो। अब इनका देखो डाउट सुनो, फिर जब मैं डाउट पढ़ता हूँ सुनता हूँ, मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं किसी मेंटल उसमें। प्रिया क्या कंफ्यूजन क्या है? आप बोल रहे हो कि अगर फर्स्ट नोड को मैं हटाऊंगा तो मैं टू को एक्सेस कर पाऊंगा, तो यही तो करना था या नहीं करना था? मैं बोल रहा हूँ स्टैक के अंदर फर्स्ट नोड एक्सेसिबल होता है, इसका मतलब ये थोड़ी सेकंड नहीं होता, फर्स्ट जाएगा, थ्री चला गया, तो अब टू ही तो नया टॉप है, तो टू फिर एक्सेसिबल है। मुझे बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? एक्स्ट्रा स्पेस फॉर नेक्स्ट एड्रेस मीन्स, रोहित पूछ रहे हैं, जब हमने एरे की तरह स्टोर किया और मान लीजिए डेटा हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दिस, तो क्या यहां पर हमें कहीं पॉइंटर इस्तेमाल करने पड़े? नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम लिंक्ड लिस्ट हैंडल करेंगे तो एक नोड से नेक्स्ट नोड तक पहुंचने के लिए
क्या हमें पॉइंटर यूज करने पड़ते हैं? बिल्कुल करने पड़ेंगे, वो स्ट्रक्चर है। अब ये पॉइंटर क्या हमारा डेटा है या ये सिर्फ डेटा तक पहुंचने में हमारी मदद कर रहा है? ये हमारा डेटा तो नहीं है, तो हमारे ऊपर तो ये एक एडिशनल बर्डन ही हुआ ना, हमें जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जिस तरह से स्ट्रक्चर हम हैंडल कर रहे हैं हमें रखना पड़ेगा, तो इसको बर्डन या डिसएडवांटेज बोला जा सकता है? क्यों नहीं बोला जा सकता, बताएं? अगर आप लोगों के आधे क्वेश्चन को सुन लेना तो जहर चाट ले। हे भगवान। ओके, तो एक बात समझिएगा, स्टैक जो है वो एक आइडिया है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? स्टैक एक आइडिया है जिसको इंप्लीमेंट करने के, भाई स्टैक एक फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी कहती है जिसको सबसे बाद में आपने इंसर्ट किया वो सबसे पहले प्रोसेस होगा, या जिसको सबसे पहले आपने इंसर्ट किया वो सबसे बाद में प्रोसेस होगा। ये रिजल्ट मुझे चाहिए, ये बात समझे पहले। हाँ भाई, ओके, क्लियर है अभी? ओके, जरा मुझे एक आइडिया आया। वो आजकल आप देख रहे हैं, ये मेरी कार है, मेरे फ्रेंड्स हैं, एक पार्टी हो रही है। डिड हैव यू सीन दिस? नाउ लुक एट दिस। ये मैं हूं, ये मेरी ऑनलाइन क्लास है, और मेरी ऐसी तैसी हो रही है। चलिए, नाउ लुक एट दिस। सो स्टैक एक फिलॉसफी है, मैं बोल रहा हूँ आप इसे जैसे चाहे वैसे इम्प्लीमेंट कर ले। यू कैन इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ अ एरे, एंड यू कैन इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट। उनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो चलेगा। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अब जैसे कोई कोई कमेंट कर रहा है, मैं एक बात उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी धीरे धीरे आपको सोच डेवलप करनी है। अभी सोच भी जो है वो बहुत गड़बड़ चल रही है। जैसे कोई कह रहा है कि आखिरी एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उसके लिए तो पता नहीं क्या बोल रहा है। भाई आखिरी एलिमेंट एक्सेस नहीं करना, स्टैक के अंदर। अब अगर इस लिंक लिस्ट को मैं विजुअलाइज कर रहा हूं एज अ स्टैक, इजंट इट, तो क्या लास्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे? क्या नहीं करेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड एलिमेंट ही चाहिए, दैट इज इट, इजंट इट। सिमिलरली अगर मैं इस एरे को मॉडिफाई कर रहा हूँ स्टैक की तरह, तो क्या 5 के अलावा और कोई एलिमेंट आपको चाहिए? नहीं चाहिए। यही तो कहानी है स्टैक की, और किसी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये यहां तक की बात आप समझ पा रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे स्टैक वाले आइडिया को। अच्छा,
जहां तक बात है इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, नाउ बिकॉज यू हैव लिंक लिस्ट ऑब्वियसली, क्या यहाँ पे इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी फ्रेगमेंटेशन होगा? नहीं, आपको जितने नोड चाहिए आप एग्जैक्टली उतने ही नोड लोगे, है ना। और जब नया नोड चाहिए तो ऑब्वियसली वो नया नोड लेके आना और छोड़ना आप दोनों ही आसान होगा। लेकिन वही जैसा आप बीच में कई लोग मेंशन आउट कर रहे थे, हैवी पेनल्टी आप भरेंगे किसकी वजह से? पॉइंटर्स की वजह से। बट फिर भी लिंक लिस्ट का जो पूरा डिसएडवांटेज है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्लो है, लेकिन स्लो से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको फर्स्ट एलिमेंट ही एक्सेस करना है। स्लो से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही एक्सेस करना है ना। ओके ओके, सो आगे जाके देखेंगे टेक्निकली सिस्टम में जहां पर भी हम स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं, रियलिटी में बता रहा हूं, 10 में से 9.5 बार हम लिंक लिस्ट का ही यूज करते हैं। ये बात समझिएगा, 10 में से 9.5 बार विल बी यूजिंग लिंक लिस्ट टू इंप्लीमेंट अ स्टैक। इवन इवन आगे जाके भी हमें क्यू पढ़ना है, विल बी यूजिंग लिंक लिस्ट टू इंप्लीमेंट अ क्यू एज वेल। लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर जो जरूरत पड़ने पर आपको कहीं से भी स्टोरेज ला के देता है। इंसर्शन डिलीशन दोनों चीजें हैंडल करना आसान है, तो चाहे स्टैक है चाहे क्यू है, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए भाई हम लिंक लिस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात मुझे बताओ समझ आ रही है क्या? देखिए गेम समझिएगा, गेम ये है कि यू नो आप अरेंजमेंट उसे जैसे चाहे करें, एक तरीका हो सकता है कि आप अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। उस तरीके से हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आप एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, टू गिव यू इन प्रोस्पेक्टिव, इमेजिन करिए ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, एक बैकबोन केबल है, बहुत हैवी डेटा ट्रांसमिशन यहाँ से हो रहा है और इससे 4 स्टेशन अटैच्ड है लाइक दिस। अब बताओ इसको कौन सा टॉपोलॉजी आप बोलोगे, इसको कौन सा टॉपोलॉजी बोलोगे, इसको बस टॉपोलॉजी बोलोगे? बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, अब मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं देयर विल बी अ टोकन मैकेनिज्म। टोकन पहले 1 को मिलेगा, फिर 2 को मिलेगा, फिर 3 को मिलेगा, फिर 4 को मिलेगा, और फिर ये टोकन सर्कुलरली घूमेगा, फिर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 और ऐसे ही रोटेट होता रहेगा। अब बताओ क्या है? तो आपका हार्डवेयर गया जहर खाने, मैं इसको रिंग की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, बात खत्म, है ना। हालांकि इस एग्जाम्पल का उस एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज अप टू यू कि आप उस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा दें और उस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। लिंक लिस्ट तो अपने आप में बहुत डायनेमिक है, क्या लिंक लिस्ट के अंदर इवन यू नो बिटवीन द टू नोड्स इंसर्शन डिलीशन किया जा सकता है लिंक लिस्ट के अंदर? हाँ, पर हम नहीं करने देंगे। हम बोल रहे कि भाई साहब इंसर्शन करना है तो पहले फर्स्ट नोड पे करना है, डिलीशन करना है तो फर्स्ट नोड से करना है। सो यस दिस इज अ लिंक लिस्ट, बट बिकॉज ऑफ दीज एडिशनल रेस्ट्रिक्टेड रूल्स, इजंट इट, आई विल बी मेकिंग इट बिहेव लाइक अ स्टैक। मैं इसको स्टैक की तरह बिहेव करा रहा हूं। मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कभी कभी स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है, लेकिन जब हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो हम उससे किसी और तरह का बिहेवियर ले सकते हैं। यस, इट विल गिव यू एवरी पॉसिबल बिहेवियर ऑफ अ स्टैक। एक बार एक सर्कस का भालू था और वो सर्कस से भाग गया, है ना। उसने शहर में कोहराम मचा दिया, कभी कहीं आ रहा है, किसी को मार लिया, पकड़ लिया, ऐसे उसको ढूंढने में एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भालू नहीं मिला। उसके बाद यूपी पुलिस ने बोला कि हम उस भालू को ढूंढ निकालेंगे, हमारे पास विश्वस्त सूत्र है, हमें पता है भालू की लोकेशन क्या है। तो सरकार ने कहा चलो भाई तुम ढूंढ निकालो। 2 दिन के बाद यूपी पुलिस, भालू मींस बियर भालू, 2 दिन के बाद
यूपी पुलिस एक कुत्ता पकड़ के लाई, उसको खूब मारा हुआ था, काला रंग उस पे किया हुआ है, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, हाँ हाँ मैं भालू हूँ, हाँ हाँ मैं भालू हूँ। आप समझ रहे हो? सो जरूरत पड़ने पे एडिशनल रेस्ट्रिक्शन लगा के आप जरूरत पड़ने पे उसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, वही मैंने किया। अच्छा ये देखिए जरा, मीन सर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल टूल के जैसे करना है एंड बिहेवियर स्टैक समझ के करना है, फर्स्ट एलिमेंट पॉप करना है। बहुत अच्छे। हाँ आप फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करेंगे, लेकिन आप अपने मन में कल्पना करते रहिए कि वो स्टैक है और मान के चलिए पॉप हो रहा है। चलिए टू टू कंप्लीट द आइडिया, टू कंप्लीट द आइडिया, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुत्ता अपने को भालू। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पुलिस को चुप। यार ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या, यूपी पुलिस किसी को भी पकड़ के कुछ भी कह सकती है, सवाल है केस कंप्लीट करने का, इजंट इट? अगर सही अपराधी ना मिले तो किसी और को पकड़ लो, उसको इतना मारो कि वो बोलने लगे कि भाई मैं ही सही अपराधी हूं। तो हमें स्टैक नहीं मिला, हमने लिंक लिस्ट को मॉडिफाई किया और अब लिंक लिस्ट कह रही कि मैं ही स्टैक हूं। है ना? तब जरा देखिए यहां पर आइडिया, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। सपोज करिए एक लिंक लिस्ट है, और अब गौर करिएगा मैं एक नियम बना देता हूं, इंसर्शन कैन बी डन फ्रॉम द फर्स्ट एंड और फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग लिख देता हूं, फर्स्ट एंड नहीं लिखता, एंड डिलीशन कैन ओनली बी डन फ्रॉम द एंड। अब बताओ, इंसर्शन कैन ओनली बी डन फ्रॉम द इन द स्टार्टिंग और डिलीशन कैन ओनली बी डन इन द एंड। यस वेरी गुड। नाउ द सेम लिंक लिस्ट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ क्यू। अब ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो आधे डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो तो एक एक आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अलग अलग टूल्स, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है, तो मैंने सोचा नहीं था खैर इस मसले पे इतनी बहस होगी, बट अभी आप फॉलो कर पा रहे हैं। दैट इज वाई लिंक लिस्ट और उन पे काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट पे काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आगे जाके इवन, अब आप मुझे बताओ, एक तरह का मॉडिफाइड लिंक लिस्ट ही तो ट्री बनता है। लिंक लिस्ट को थोड़ा चेंज कर देंगे, एक नोड के अंदर दो पॉइंटर लगा देंगे और उसी का इस्तेमाल करके अपन ट्री बनाने लगेंगे। इसीलिए जब आप जाओगे ना प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, इंटरव्यूज के लिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिंक लिस्ट पे मिलेंगे। कभी चेक करना इस बात को, यू'ल हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन द लिंक लिस्ट। व्हाई इज इट सो? क्योंकि अगर आप लिंक लिस्ट पे काम करना जानते हो तो इनडायरेक्टली जरूरत आने पे उसके थ्रू ही बाकी डेटा स्ट्रक्चर भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। यस अगर ध्यान से आप सोचोगे, ध्यान से अगर आप सोचोगे, क्या एरे अपने आप में एक फिलॉसफी है? हाँ। क्या स्टैक फिलॉसफी है? हाँ। क्या क्यू एक फिलॉसफी है? हाँ। क्या लिंक लिस्ट कोई फिलॉसफी है? ना 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 ना, लिंक लिस्ट तो सिर्फ एक टूल है, एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम बाकी स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, पर अभी यू नो जस्ट बेसिक आइडिया समझने के लिए देखिए, मैं आपको समझाता हूं। एरे भी टूल होना चाहिए। एरे एक टूल तो है, आपकी बात वाजिब है, लेकिन ऐसा समझिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, जहां पर भी हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है। कौन सा डेटा? हिस्टोरिकल डेटा। अब हिस्टोरिकल डेटा की क्या प्रॉपर्टीज हैं? उसमें कुछ चेंज होता है कि नहीं? मान लीजिए क्या एग्जांपल दूं, आजकल एक ये वेबसाइट यूज करते हैं क्रिक बस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, क्रिक बस है ना, जिसमें ये सारा क्रेडिट का स्कोर एंड ये और वो पुराने स्टैट्स, कौन सा मैच कब हुआ, किस खिलाड़ी ने क्या, वो सब कुछ। यस टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है,
हमारे टाइम पे जैसे ताश के पत्ते ना कार्ड आते थे इतने बड़े बड़े, बच्चे स्कूल में लेके आया करते थे, उसके ऊपर एक तरफ अनिल कुंबले बना होता था, पीछे उसका स्कोर लिखा होता था, मतलब उसने कितना मैच खेला, क्या किया, कैसे कैसे किया। आई डोंट नो, पता नहीं है वो देखा है कि आपने। नहीं, रेसलिंग वालों के कार्ड्स और क्रिकेटर के कार्ड्स, टेनिस के कार्ड, समथिंग लाइक दिस देखा है। अब हालांकि वो आउटडेटेड हुआ करते थे, बट अभी एवरीथिंग यू हैव इज इन योर फोन ओनली, दैट इज ओके। बट मैं बोल रहा हूँ कि क्रिक बस का जो मोस्ट ऑफ द डेटा है वो हिस्टोरिकल डेटा है, ये डे टू डे डेटा है। लाइव मैच कितने चल रहे होते हैं? बहुत कम, इजंट इट? मोस्ट ऑफ द डेटा हिस्टोरिकल है। अब आप मुझे बताएं, हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करने का बेस्ट अप्रोच क्या है? उसमें इंसर्शन नहीं करना, उसमें डिलीशन नहीं करना, साइज आपको पहले से पता है, उसको तो सिर्फ हाई स्पीड से एक्सेस करना है। उसके लिए आपको चाहिए एरे। अब देखो आप, इजंट इट? तो वही मैं बोलूंगा, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है ना, तो बहुत सारी चीजें जनरलाइज नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे आप समझोगे, ऑब्जर्व करोगे। यस और नो? अनएकेडमी रिकॉर्डेड वीडियो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे कि वेदर आई एम इम्प्लीमेंटिंग देम एज ए, वी आर इम्प्लीमेंटिंग देम एज ए आर एरे और नॉट? वैसे इट्स नॉट टेक्स्ट डेटा, बट हाँ, अगर रिकॉर्डेड है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ ना, मैं उसको क्यों इन नॉन कंटिन्यूअस स्टोर करके अपना काम बढ़ाने वाला हूँ? आप चाहते हैं अकेडमी के सर्वर सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर भाग रहा है? नहीं, तो जाहिर सी बात है, एक लेक्चर का डेटा एक जगह ही कंटिन्यूअसली लिखा होना चाहिए, इजंट इट? यस, ठीक है। तो ये आइडिया मेरे ख्याल से आपको समझ आया, तो मैं एक काम करता हूँ, बहुत सिंपल आइडिया ही, लेकिन पुश और पॉप की जरा एक बार डेफिनेशन कंप्लीट करें और स्टार्टिंग इंप्लीमेंटेशन मान के चलेंगे एरे वाला, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? हैकिंग कब सिखाएंगे? पहले मैं आपको इंसान बनाऊं, आपको पेपर पास कराऊं? नहीं, वरना हैकिंग सिखाने के लिए तो बहुत लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे तो क्या बोलूं, ऐसे ऐसे लोग हैं, देखने से लगता है पता नहीं ना 8वीं पास की होगी कि नहीं की होगी, पर बातें इतनी बड़ी बड़ी, भाई भगवान, पहाड़ी हो रही है, वो वाले लोग हैं। एथिकल हैकिंग, चलिए क्या, देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। देखो, हैकिंग जो है ये शब्द अपने आप में कूल है, इजंट इट? एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये अपने आप में कूल है। बस एक और चीज, एक और चीज, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मैं स्टार्टअप करूंगा, मैं ऐप बनाऊंगा, इजंट इट कूल? यस। जब आगे पढ़ते हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर पता लगता है जीवन की सच्चाई क्या है। नहीं, वो ही मैं बोल रहा हूँ, जो परसेप्शन होता है ना, इस कमरे के अंदर आप और मैं हूं, जो बाहर बैठा हुआ ना, लग रहा होता है कि अंधेरे कमरे में टोपी पहन के पिज्जा बर्गर खा के ये लोग गड़ 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 पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलिए नाउ, हाँ, बिटकॉइन बना रहे अंदर बैठ के, चलिए खैर, तो स्टैक की बात कर रहे हैं। सर, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मुझे गेट क्लियर करना है, ये सब झोल है। अब ये आप समझाओ इन बच्चों को, जिनको लग रहा है कि अभी इंडस्ट्री के अंदर जाके इनको कौन सा ग्लूकॉन डी या एल्पेनलीबे मिलेगा। नाउ यू लुक एट दिस, लेट मी से स्टैक का नाम एस रख लूं, दिस इज अ स्टैक, और धीरे धीरे उस पर आइडिया डेवलप करेंगे हम। इसका नाम मैं रख लेता हूं एस, है ना? अच्छा, क्योंकि एक डेटा स्ट्रक्चर है तो क्या उसका कोई साइज भी होगा? साइज, तो लेट मी से
द स्टैक इज ऑफ साइज कैपिटल एन, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा एक बात आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब तो एरे हम पढ़ चुके हैं, मॉडिफाइड एरे की तरह हम इसे इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करनी है? जहां से आप बोलोगे उसी हिसाब से फिर हम कोड लिखेंगे। अच्छा सर्वसम्मति से जीरो, ओके तो जीरो वन ये कौन था, बॉटम टू टॉप, बॉटम तो जीरो करेंगे, बॉटम को एन थोड़ी करेंगे, ये फिर आपने पार्टी वाली बात कर दी, बट चलिए ठीक है, इट्स गोइंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, या चलिए मैं फिक्स कर लेता हूँ, लेट मी मेक द साइज ऑफ द स्टैक एज फोर एज फाइव। तो जीरो से मैं चला गया कहां तक, जीरो से मैं फोर तक चला गया, ठीक है। तो अब एक पॉइंटर, एक आइडिया हमारे पास होगा, मैं ध्यान रखना पड़ेगा ना कि फिलहाल टॉप पे कौन है। ओके तो लेट मी हैव अ पॉइंटर टॉप जो बताएगा टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन है, और हम पुश करना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए एक आइटम, एक एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए, कैन आई कॉल इट एक्स, ओके एक्स इज एलिमेंट विच इज अबाउट टू बी इंसर्टेड। नाउ कुछ नियम आप समझ लीजिए, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन करने से पहले आपकी अब ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमेशा आपको क्या चेक करना है, ओवरफ्लो के अंडरफ्लो, ओवरफ्लो नॉट अंडरफ्लो, हमेशा ओवरफ्लो मतलब इंसर्ट करने से पहले चेक कर लेना कि जगह हैवी के नहीं है, इजंट इट। सिमिलरली किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से डिलीट करने से पहले, रिमूव करने से पहले क्या चेक करना है, अंडरफ्लो, ये देखना है कि एलिमेंट है भी कि नहीं, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो फिर डिलीट कहां से करेंगे, है ना, ठीक है। अब हम फिलहाल पुश करना चाह रहे हैं तो हमें ओवरफ्लो चेक करना है, आप मुझे बताओ पहले से इसके अंदर कुछ रखूं या स्टार्टिंग में एम्प्टी मान के चले, स्टार्टिंग में एम्प्टी मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर टॉप पॉइंटर, जब मैं इसको इनिशिएट करूंगा, टॉप पॉइंटर स्टार्टिंग में क्या जीरो को पॉइंट कर रहा होगा? नहीं, अगर जीरो को भी पॉइंट करेगा, इस बात का मतलब है देयर इज अ एलिमेंट, बट मेरे पास तो फिलहाल कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो टॉप पॉइंटर फिलहाल पॉइंट कर रहा होगा माइनस वन को, इजंट इट, वेरी गुड। बट खैर अगर स्टैक ओवरफ्लो होता तो टॉप कहां होता, टॉप होता फोर पे, जो मेरा साइज फॉलो कर पा रहे, ठीक है। तो फिर मैं लिखता हूं इफ, मुझे कंडीशन चेक करना है ना, इफ टॉप इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, इफ टॉप इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, एन माइनस वन क्यों, क्योंकि अगर एरे का या स्टैक का, जैसे अभी मान लीजिए हम स्टैक ही मान के चल रहे हैं, स्टैक का अगर ओवरऑल साइज है n, है ना, और इंडेक्सिंग मैंने चालू किया है जीरो से, तो जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा उसको इंडेक्स क्या होगा, n माइनस वन ही होगा ना, फॉलो कर पा रहे क्या मेरी बात। अगर हम मान के चल रहे कि ओवरऑल साइज ऑफ द स्टैक इज n एंड मैं इंडेक्सिंग चालू कर रहा हूं जीरो से, देन टॉप ऑफ द एलिमेंट विल बी एट n माइनस वन, तो मैं वही यहां पर चेक कर रहा हूं कि अगर टॉप जो है वो n माइनस वन है तो इसका मतलब इंसर्शन का स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं है। यहां पर हम एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया, क्या लिखे, प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो एंड एग्जिट, गेम ओवर हो गया, यहीं से बाहर हो जाओ, प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो एंड एग्जिट, यानी कि स्टैक में भी स्पेस नहीं है, कोई फर्दर इंसर्शन हम नहीं कर सकते। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है किसी को? ओके ओके अब आगे देखिए, अगर आप इस लाइन को पास कर गए, इस बात का मतलब क्या है, स्टैक टॉप पे नहीं है, और स्टैक टॉप पे नहीं है तब इंसर्शन किया जा सकता है। अब क्या करना होगा आप मुझे बताओ, पहले मैं टॉप पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा कि पहले इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट कहां से करूंगा, पहले उसकी लोकेशन अपडेट करनी पड़ेगी, वेरी गुड। तो लेट मी राइट देन टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस वन, बहुत सिंपल तरीके से लिख रहा हूं,
टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, तो अब टॉप की वैल्यू या टॉप अब किसको पॉइंट करने लगेगा, टॉप पॉइंट करने लगेगा जीरो को, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स को। और अब आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप करते हैं, ये स्टैक का नाम है एस, तो नाउ स्टैक के टॉप में आप एलिमेंट एक्स रख दीजिए, सो देयर विल बी एक्स नाउ। फॉलो कर पा रहा है? और कोई काम करने के लिए बचा है? नहीं, सो दैट विल बी ऑल, आई कैन राइट एग्जिट। अब जरा एक बार ऑब्जर्व करें, हालांकि ये बहुत ही छोटा सा काम हमने किया, कोई बहुत महान काम नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी अपनी सोच डेवलप कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक बातें आप सीखोगे। जैसे पहला बड़ा कंक्लूजन, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन से पहले ओवरफ्लो चेक करते हैं, डिलीशन से पहले अंडरफ्लो चेक करते हैं। अच्छा, गैंग वॉर हो रही है, यस। क्या किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि एक बार में दो एलिमेंट कैसे इंसर्ट करें? ये भी एक बेसिक नियम आपको बता देता हूं। सर एक्स डायनेमिकली इंसर्ट कर सकते हैं? ये अब कूल क्वेश्चन है। क्या ये हमने अभी स्टैटिकली इंसर्ट किया एक्स? आर्यन जी, आर्यन, ये जो अभी हमने एक्स को इंसर्ट किया, ये हमने स्टैटिकली किया है? किसी के सामने बोल दोगे ना, बाहर भगा देगा कमरे से। इंटरव्यू मत बोल देना सब कहानियां। तो 19 शब्द का रन टाइम पे, अब और गड्ढा मत खोलो, उसी में गिर जाओगे अंदर। तो हर शब्द के अपने कुछ मायने हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना, मेरी बात समझ रहे हो? तो स्टैटिक और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन की बात की थी हमने, यस और नो। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार में एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, एक एलिमेंट डिलीट करेंगे, चाहे वो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो। अब आपने बीच में फायर कर दिया, आपने कह दिया कि सर स्टैटिकली इंसर्ट कर रहे हैं कि डायनेमिकली। भाई कुछ नहीं होता, ये स्टैटिकली इंसर्शन कुछ होता है क्या? तो ये आप कहां बोलोगे ये बात? ये बात उन लोगों के सामने बोलोगे जिनको कंप्यूटर साइंस नहीं आता है, वहां पेलो फेंको। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रेंड है, मैकेनिकल के फ्रेंड है, कि आज हमने डायनेमिकली इंसर्शन सीखा है, करो ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब बिरादरी वालों के सामने करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप पुश कैसे करते हैं, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक और बात, हो सकता है आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वीक हो, बट ये कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कोई बहुत अजीब काम हमने कर दिया है। यस, क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, मैं ऊपर क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए न्यू एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। न्यू एलिमेंट विल बी इंसर्टेड द टॉप आफ्टर द पुश ऑपरेशन ऑफ द टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय वन इन केस द एरे इज फुल। एरे क्यों? क्योंकि हम एरे को मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर रहे हैं। नो न्यू एलिमेंट कैन बी अकोमोडेटेड, इट इज कॉल्ड ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, चिरंजीव कह रहे हैं सर वो स्टैटिक वाली बात डिटेल में बताना, वो कोई बात ही नहीं है जैसे डिटेल में बताने की जरूरत है। उसके बाद आप बोल रहे सर स्टैक को ट्रेवर्स करना हो तो, बाबू द पॉइंट इज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रेवर्स अ स्टैक। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसका सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट ही एक्सेस किया जाता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? स्टैक का सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट एक्सेस किया जाता है, तो स्टैक पे हम नहीं डिस्कस करते उसका ट्रेवर्सल करना। ये बात समझ आ रही है क्या? अब फॉर एग्जांपल आप सोचोगे, एक तो यार इन्होंने चिल्ला चिल्ला के, अब आप सोचोगे या मुझसे पूछोगे सर स्टैक में बॉटम में इंसर्ट करना हो तो, अगर स्टैक के बॉटम में आप इंसर्ट करोगे तो वो स्टैक रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे बताओ, है ना? तो जब तक आप उसे स्टैक बोल रहे हो उसकी ट्रेवर्सल नहीं करनी अपने को,
उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट एक्सेस करना है, वो कौन है, दैट इज टॉप मोस्ट एलिमेंट, दैट इज इट। ठीक है, इफ स्टैक इज इंप्लीमेंटेड बाय लिंक लिस्ट देन देयर इज नो आइडिया ऑफ ओवरफ्लो। देखो अगेन इस बात को समझो, आदर्श पूछ रहे हैं कि अगर स्टैक इज इंप्लीमेंटेड बाय लिंक लिस्ट देन ओवरफ्लो का आइडिया होगा कि नहीं होगा। देखो प्रैक्टिकली हो सकता है कभी आपको उसका सामना ना करना पड़े, बट थ्योरेटिकली तो होगा। क्या आदर्श इंसर्ट करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपके सिस्टम में स्पेस ना बचे? बिल्कुल ऐसा आएगा। तो उस केस में क्या ओवरफ्लो होगा? बिल्कुल होगा। हमारे पास मेमोरी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बट वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? टीओसी याद है ना, वो स्टिल फाइनाइट है। सो यू हैव टू डिफाइन व्हाट ओवरफ्लो इज। उसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े ना पड़े वो अलग बात है, बट ओवरफ्लो तो तब भी होगा। सर अगर हमें ओवरफ्लो में भी इंसर्ट, सर अगर हमें ओवरफ्लो में भी इंसर्ट करने के लिए ट्राई करना हो तो क्या होगा? मतलब देखिए अगेन इस बात को समझिएगा, ओवरफ्लो मतलब कि जगह है कि नहीं है? जगह नहीं, नहीं आप अपना तरह से शायद वाजिब क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ, आप सोच पा रहे हैं। कुछ लोगों को भी बहुत समय लग रहा है वो टेम्परामेंट डेवलप करने में, सोच डेवलप करने में। भाई ये ट्रेन की सीट नहीं, रोडवेज की बस नहीं कि एडजस्ट कर लेंगे कि आंटी जी बच्चे को गोद में ले लो, थोड़ा सा भैया आप आगे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, एडजस्ट कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस, है ना। तो अगर यहां पर पांच एलिमेंट हैं तो पांच ही रहेंगे, साढ़े पांच नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप बोल रहे हैं कि अगर ओवरफ्लो है फिर भी कोई इंसर्ट करने के लिए बोले तो उस कंपनी में नौकरी नहीं करने का, वो पैसे नहीं देगा आपको, उसके उसको कुछ लोचा हो गया दिमाग में। अगर आपका एग्जामिनर वाइवा वाला पूछ रहा है कि इंसर्ट कैसे करें अगर फुल है तो, फिर बोलिए सर अब आप इतने बड़े, आपके सामने हम कैसे जवाब दे सकते हैं, बस ऐसा बोल के बाहर आ जाने का, या बोलने का सर ट्रू ट्रू बस। ठीक है, मुझे बताएं पुश करने वाली बात क्लियर होगी क्या सभी को? मेमोरी ओवरफ्लो को कैसे चेक किया जाएगा? पहले आप मुझे बता दीजिए आप कौन से ओवरफ्लो की बात कर रहे हैं, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एरे वाले केस में या डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन? डायनेमिक। आप मेमोरी एलोकेशन के लिए कोई फंक्शन कॉल करेंगे जैसे मैलॉक, और अगर मैलॉक कोई पॉइंटर रिटर्न कर देता है इसका मतलब आपको डेटा मिल गया, स्पेस मिल गया। अगर मैलॉक कोई पॉइंटर रिटर्न नहीं कर पाता इसका मतलब स्पेस अवेलेबल नहीं है, बात खत्म हो गई। ओके इसका दूसरा भाई बताओ। नो आई डोंट वॉन्ट टू सी नाउ एनीबडीज क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। दोबारा लिखिएगा आप, पीछे इतनी गंद मची हुई मैं दोबारा ऊपर नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। ओके नेक्स्ट ऑपरेशन जो भी हमें ऑब्जर्व करना है। अच्छा फिर भी मैं एक बात आपको बताऊं क्या, हालांकि जैसे मैं मान के चल रहा हूँ एंड आई टोटली रिलेट टू इट, है ना, जिस तरह के और जितने क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक बात आप समझिएगा, एज ए टीचर मेरा काम है कि आपको चीजें समझाना, उनको रिलेट कराना, उनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग पहले से थोड़ा पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि सर कहाँ उलझ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप थोड़ा सा उस पर काम नहीं करेंगे ना, वो टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। बट जैसे जैसे अब आप रिलेट करोगे, पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे और
ये जो वैज्ञानिक जागा वो इसे क्लास के बाद भी लगाओगे तो फिर आप रिलेट कर पाओगे। अगर पुश करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं? अगर पुश करना है ना, तो आपको ये क्यों चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, कि आप मुझे बताओगे आर्यन? अगर आप किसी स्टैक में पुश करना चाहते हैं तो स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, ये क्यों चेक करना है आपको? यही कंफ्यूजन है। मतलब पुश करते हुए आपको ये टेंशन होना चाहिए कि एक स्पेस अवेलेबल है कि नहीं, इजेंट इट? वो हम ओवरफ्लो में चेक करते हैं। आप ये क्यों चेक करना चाहते हैं कि स्टैक खाली है कि नहीं, ये मुझे समझाओ। आपका डाउट क्लियर हो रहा है क्या? जब आप पुश करते हैं एक बार में कितने एलिमेंट पुश करते हैं मुझे बताएं। हाउ मेनी एलिमेंट्स यू पुश? वन एलिमेंट एट अ टाइम। तो आपका कंसर्न क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट एक लोकेशन खाली है कि नहीं है, इजंट इट? तो हम सिर्फ एक बात चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बात चेक कर रहे हैं कि जो हमारा टॉप पॉइंटर है अगर वो ऑलरेडी पहले लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब सब भरा हुआ है। और अगर वो टॉप लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा, वो नीचे कहीं भी पॉइंट कर रहा है, तो हमें इस बात से मतलब नहीं कि वो नीचे कहां पॉइंट कर रहा है, मतलब इस बात से कम एक लोकेशन तो खाली है ना? और अगर वो लोकेशन खाली है तो मैं इंसर्ट कर लूंगा। अब आप मुझसे पूछ रहे कि मैं ये चेक करूं कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, तो एम्प्टी है कि नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हम ट्रेन में जाते हैं हमें एक सीट चाहिए होती है, ये कंसर्न नहीं होता कि पूरा डब्बा खाली है कि नहीं है, है ना? अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करें, आप थोड़ा सा क्लास के बाद दोबारा सोचें, उस पर इंट्रोस्पेक्ट करें, तो आपको बात शायद समझ जाए। ठीक है, अगले जो बात हमें करनी है वो करना था पुश पॉप ऑपरेशन, आई एम सॉरी। तब आप मुझे बताएं, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉप ऑपरेशन, पॉप के अंदर हमें क्या करना होता है बताओ? इंसर्शन के डिलीशन। पॉप मींस इंसर्शन और डिलीशन, डिलीशन करना है। वो भी एक बार में कितने एलिमेंट? जैसे एक बार में एक इंसर्शन, उसी तरह एक बार में एक डिलीशन। अब डिलीशन करते हुए हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए, ओवरफ्लो के अंडरफ्लो? वेरी गुड। डिलीशन करते हुए कंसर्न है अंडरफ्लो की। भाई डिलीट तो तब करें जब वहां पर कम से कम एक एलिमेंट हो, इजंट इट? अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो फिर डिलीशन कैसे करेंगे? रिलेटेबल है। ठीक है, तो मैं अगेन दूसरा फंक्शन लिखने की कोशिश करता हूं, विच इज पॉप। पॉप मतलब डिलीट करना। अब डिलीट करते हुए, अच्छा मैं एक दो बात और पूछता हूँ। वैसे तो इंसर्शन करने पे भी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बट हम जब भी इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, क्या हम ये बताते हैं कि इंसर्शन या डिलीशन कहाँ पे करना है? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन केस ऑफ अरे, सॉरी, इन केस ऑफ अ स्टैक, क्या हम ये बताते हैं कि इंसर्शन डिलीशन कहाँ पे करना है? नहीं बताते। वो क्यों? बिकॉज वी ऑलवेज नो दैट दैट हैज टू बी डन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक ओनली। इंसर्शन करना है तो भी टॉप पे होगा, डिलीशन करना है तो भी टॉप से होगा। दैट इज व्हाई समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे इस बात को हम। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर। एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, वी नो कि इंसर्शन या डिलीशन कहाँ पे होना है, जो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं बहुत आसान हमारे लिए बना देता है। ठीक है, तो अभी जो एग्जाम्पल जिससे हम डील कर रहे थे, इंडेक्सिंग हमने किया है जीरो से, देर आर फाइव एलिमेंट्स देयर, सो 0, 1, 2, 3। ओके, मेरे को पॉप करना है, स्टैक का नाम है एस, साइज मुझे पता होना चाहिए, टॉप मोस्ट एलिमेंट मेरे पास होना चाहिए, एक्स मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि एक्स तो मुझे मिलेगा इस बार, मुझे पॉप करना है। ठीक है, आई गो वन बाय वन। सबसे पहले अंडर फ्लो, तो अगेन अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वेरी गुड, टॉप किधर पॉइंट कर रहा होगा? -1। तो इफ देयर इज नो एलिमेंट, तो आई विल से इफ
टॉप इज इक्वल्स टू माइनस वन. इफ देर इज नो एलिमेंट देन टॉप इज इक्वल्स टू माइनस वन. और अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो देर यू कैन राइट प्रिंट अंडर फ्लो एंड एग्जिट, बात खत्म. यानी कि डिलीट करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है. प्रिंट अंडर फ्लो एंड एग्जिट. बट अगर ऐसा नहीं है तो, यानी कि चलो लेट मी गिव यू एन इंस्टेंस. मान लीजिए कुछ इस टाइप का सिनेरियो है, और अब इस केस में टॉप किधर पॉइंट कर रहा है. टॉप इज पॉइंट टू इंडेक्स टू. तो अब क्या करना है, पहले इस एलिमेंट को नहीं, सीधे टॉप माइनस मत करो, पहले इस एलिमेंट को सेव कर लो ताकि इसको रिटर्न आप कर सको. तो यू कैन टेक रैंडमली, लेट मी कॉल इट आइटम. तो आइटम के अंदर फिलहाल जो भी स्टैक टॉप है उसको अपन सेव कर लेते हैं. तो फिलहाल नाउ यू अंडरस्टैंड, आइटम के अंदर क्या चला गया, ए. फॉलो कर पा रहे? अब उसके बाद नाउ यू कैन डू व्हाट, अब आप कर सकते हो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप माइनस वन. तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, यू नो टॉप विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू बी. अच्छा, इस ए को क्या प्रैक्टिकली डिलीट करने की जरूरत है? नहीं. द पॉइंट इज यू जस्ट इग्नोर इट. हम अपने हिसाब से आज से फ्री मान के चल रहे, खाली मान के चल रहे, और अब वहां पर कोई डेटा है कि नहीं है, वी विल ट्रीट इट एज अ गार्बेज वैल्यू. मतलब आप समझ रहे हैं ना, मेमोरी के अंदर तो हर लोकेशन में कुछ ना कुछ रखा ही होगा, तो बस आप उसे गार्बेज मान के चले. ओके, सो नाउ दिस इज गॉन. फिर भी इसको हटा देता हूं, हैव अ सेंस ऑफ क्लैरिटी. आपने क्योंकि ये आइटम सेव किया है, तो बाद में चाहे आप, क्योंकि हम पॉप कर रहे हैं, तो यू कैन राइट रिटर्न आइटम एंड एग्जिट. दैट इज इट, एंड दैट इज योर पॉप फंक्शन कंप्लीटेड. अब एक बार आप पूरा आइडिया देखें, ऑब्जर्व करें, मुझे बताएं बात समझ आ रही है क्या. सर आई एम फ्रॉम ECE, कैन आई ज्वाइन योर लेक्चर्स फ्रॉम CS? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट CS. The question is not can you join or not, the question is why you want to join. Do you want to write gate from CS next year? Then yes, you can. Aap dekho rahe, inhe bhi kuch zyada aata nahi hai. Inhe bhi kuch zyada nahi aata, don't worry about it. So, agar aap thoda consistent kaam karoge, to dheere dheere aapko samajh aane lagega. Theek hai. अब मैं धीरे धीरे देखे समझ रहा हूँ कि मुझे कैसे आगे चलना है. पहली बात कुछ लोग बोल रहे हैं, अगर लिंक लिस्ट से करें तो क्या होगा, भाड़ में गई लिंक लिस्ट. अभी जो बात कर रहा हूं पहले उसकी बात करूंगा, ठीक. फालतू बात मत करना. स्टैक बना हुआ है, एरे का मॉडिफिकेशन है, इस आइडिया पे अभी काम कर रहे हैं. इस पे जो डाउट है वो बता सकते हो, ठीक है. अब बताएं इस पे क्या डाउट है. मात्र सिंगल एलिमेंट पॉप किया है, पहले अंडर फ्लो चेक किया, बाद में बात करना, सब घटिया बातें बाद में. इस क्वेश्चन में जो डाउट है वो पूछ रहा हूं पहले. ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड कि एक स्टैक से जिसको मॉडिफाइड एरे का इस्तेमाल करके हमने स्टैक बनाया हुआ है, कैसे हम एलिमेंट पॉप कर रहे हैं. ओके, अच्छा अब आप मुझे बताओगे, बट खैर चलिए, मैं अभी अपने लिए समस्या नहीं पैदा करना चाहता. वैसे अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट हम देखें तो दैट विल बी, सर अगर टॉप माइनस टू हुआ तो, सर अगर टॉप इज इक्वल्स टू टॉप माइनस टू हुआ तो, इसको इनोवेटिव नहीं, इसको शिटी थॉट कहते हैं, शिटी थॉट. वेरी गुड. तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ वन.
दैट विल बी ऑर्डर ऑफ वन। मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ भाई साहब, एक बार में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, एक एलिमेंट डिलीट करना है, पूछ रहे हैं फिर भी दो लोकेशन अगर चेंज कर दें तो भाई जो मैंने फिर वो करो, फिर क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा, इजंट इट? जैसे यू नो व्हेन यू डोंट गिव स्पेस टू लॉजिकल थिंग्स। मेरा एक रिलेटिव है, वो इंटरव्यू देने गया एयरफोर्स में, SSB और समथिंग होता है ना, जो भी होता है, मेरे को ज्यादा डिटेल नहीं पता। तो वहां पर उससे पूछ रहे हैं, सपोज यू आर गोइंग विद योर गर्लफ्रेंड और कुछ गुंडे आपको घेर लेते हैं रात में आके, यस आप क्या करोगे? तो कह रहा है सर मैं देखूंगा कितने लोग हैं, पहले मैं कोशिश करूंगा उनसे लड़ने की। कह रहा नहीं, उनके पास हथियार हैं, वो गिनती में काफी ज्यादा है, क्या करोगे? कह रहे सर मैं कोशिश करूंगा वहां से थोड़ा दूर भागूं, चिल्लाऊं और कोई और मदद लेके आऊं। कह रहे नहीं, बिल्कुल सुनसान इलाका है, आप अकेले हैं, वो कई लोग हैं, उनके पास हथियार है, फिर आप क्या करोगे? तो कह रहे सर फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो जो उन्हें करना वो करेंगे, इजंट इट? जब आप भाग नहीं सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, तो फिर करना क्या है? तो वही वाला सिनेरियो, और उसका सिलेक्शन हुआ, लेट मी टेल यू दैट। सो समटाइम्स यू हैव टू बी लॉजिकल, इजंट इट? नाउ ही इज अ एयरफोर्स पायलट। सो भाई जब मैं बोल रहा हूं एक बार में एक इंसर्जन करना है, डिलीशन करना है, फिर भी दो क्यों करना चाहते हैं? फेयर इनफ। सो नाउ यू नो हाउ टू डू पुश एंड पॉप, फेयर इनफ। चलो जरा क्वेश्चन देखो एक। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, ऑब्जर्व कर, बताओ कैसे सॉल्व होगा। सर पॉप फंक्शन में आइटम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना क्या? देखिए ये सिर्फ हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ये जो हमने लिखा क्या, ये वर्ड बाय वर्ड सी का कोड लिखा क्या, मुझे बताओ। आप जिन्हें डिक्लेरेशन मान रहे हैं उनका डेटा टाइप लिखा मैंने, फिर तो बात समझ रहे हैं, दिस इज नॉट अ सी कोड जहां पे आप हर किसी का डिक्लेरेशन आइडिया देख रहे हैं। ये सिर्फ एक सूडो कोड जिसे बोलते हैं, एक तरह का एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर है, सूडो कोड है आपको प्रोसेस समझाने के लिए। यार मैं थोड़ी हूं आर्मी में, मुझे नहीं पता क्या जवाब लिखा आपने। कहीं खो गया आपका जवाब? पॉइंट बाय पॉइंट जरा इसको ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन को। हाँ भाई, ओके। कंफ्यूजन है, क्या क्या वैल्यूज आपने आंसर की हैं, एक बार इसको एक एक करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। 14%, 26%, 15% एंड 45%। ठीक है,
अच्छा होगा तो भी हम वैल्यू के साथ सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। देखिए मैं एक एक वैल्यू करके पढ़ता हूँ। बोलता है अ सिंगल एरे कैपिटल ए ए से मैक्स साइज तक यूज टू इंप्लीमेंट टू स्टैक्स। तो पहले अपन एक एरे बना ले और मैक्स साइज इसने बोला है, कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो हमेशा कोई ना कोई एग्जाम्पल बनाओ ताकि आप रिलेट कर पाओ। बताओ मैक्स साइज की वैल्यू क्या लू? 6 ले लू, ठीक है आपने बोला 6 तो मैं 6 ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1 से इंडेक्सिंग की है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये एक एरे है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम दो स्टैक बनाने के लिए, यूज टू इंप्लीमेंट टू स्टैक। चेक कर पा रहे हो इस बात को? अब आगे देखो, द टू स्टैक्स ग्रोस फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ द एरे। अगली बात, ये जो दो स्टैक हैं ये अपोजिट एंड से जाहिर सी बात है एक दूसरे की तरफ ग्रो करेंगे। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हो? सो दिस एरे विल गो लाइक दिस एंड दिस स्टैक, माफ कीजिएगा, दिस स्टैक विल गो लाइक दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड दिस विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहां तक का बात समझ आ रही है? ओके आगे पढ़ता हूँ। The two top stacks grow from this, this, this. The variable top one and top two points to the location of the topmost element of the stack. So इसका जो top variable है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा top one. और इसका जो top variable है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा top two. क्वेश्चन सॉल्व करने का जो 60% 70% एफर्ट है वो है पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लेना। मोर और लेस मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक्चुअली टोटली क्वेश्चन में ही क्लैरिटी नहीं होती और बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो वो पहले आप समझ लो ध्यान से। अब आगे देखो कह रहा है, इफ द स्पेस इज टू बी यूज्ड एफिशिएंटली देन द कंडीशन ऑफ स्टैक ओवरफ्लो इज। अब यहाँ पे उसने बड़ी क्लियरली एक बात लिख दी कि स्पेस जो है वो एफिशिएंटली इस्तेमाल होना है तो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होनी चाहिए। 14% लोगों ने आंसर किया है लाइक दिस, टॉप इज 1 इज इक्वल टू मैक्स साइज बाय 2 एंड दैट इज मैक्स साइज बाय 2 प्लस 1। अब हमारे लिए मैक्स साइज क्या है? 6। नाउ 6 बाय 2 हो जाता है 3, इजंट इट, और 3 प्लस 1 हो जाता है 4। तो देखने से तो लॉजिकल लग रहा है, इस कंडीशन के हिसाब से पहला स्टैक 3 तक आ सकता है, दूसरा स्टैक आ सकता है 4 तक, यही बात है ना? अब आप मुझे बताओ, मैं एक डिफरेंट एग्जांपल पूछता हूँ, हो सकता है आप में से कई लोगों ने रिलेट किया हो। जब हम पढ़ाई करते हैं खासकर बीटेक वगैरह में, या कुछ लोगों को स्कूल में भी शौक होता है, तो गरीबी काफी होती है ना, हाइपोथेटिकल गरीबी। हम एक ही कॉपी में दो सब्जेक्ट की कॉपी बना लेते हैं ताकि बैग का वजन कम हो सके, ज्यादा कॉपी ना हैंडल करनी पड़ सके। कभी किया है आपने ऐसा इन अ सिंगल सब्जेक्ट? ओके उस केस में आप मुझे बताएंगे अप्रोच क्या होती है? हम अगर कॉपी के अंदर तीन कभी बनाए नहीं, बस मैं दो कहीं करूंगा क्योंकि मेरे केस में दो है, अगर एक कॉपी में दो सब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं तो आप क्या करेंगे? अगर ओवरऑल 100 पेजेस है मान लीजिए, तो ऐसा करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे और दोनों सब्जेक्ट पैरेलली आगे चलेंगे, या एक सब्जेक्ट आगे से पीछे और दूसरा सब्जेक्ट पीछे से आगे? बताओ फॉलो कर पा रहे हो? तो इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, ये क्या आपको बता रहा है? मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना आपने तो बचपन में करना सीख लिया था। अगर एक कॉपी में दो सब्जेक्ट बनाने हैं देन वो दोनों एक दूसरे की तरफ उल्टा चलना चाहिए, वो क्यों? ये किसने बोला कि बराबर बराबर डिवाइड करना है? इस अप्रोच का बताओ फायदा क्या है? दिस अप्रोच पेज कभी वेस्ट नहीं होगा, इजंट इट, वो क्यों? अगर किसी सब्जेक्ट का ज्यादा कंटेंट भी आ गया, हो सकता है ये 60 तक आ जाए, वो 40 तक ही आए, चलेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तब तक लिखने वाले हैं जब तक आखिरी पेज भरे। अब इसका ये कह देना कि ये पहला स्टेक 3 तक ही आ सकता है और ये 4 तक भी आ सकता है, क्या ये एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन है? नहीं, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि पहला स्टेक 3 तक आ गया, दूसरा 5 पर, ये फिर भी आप ओवरफ्लो बोल दो? हाँ, क्योंकि आप तो इसके आगे इसको जाने नहीं दोगे। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट इंप्लीमेंटेशन। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस
अच्छा, सेकंड हाईएस्ट वोट 26%, काफी वोट होते हैं। टॉप वन प्लस टू, टॉप टू इज इक्वल टू मैक्स साइज, ये कंडीशन आप बोल रहे हैं। टॉप वन प्लस टॉप टू इज इक्वल टू मैक्स साइज होगा तो स्टैक फुल हो जाएगा। हाउ दिस कैन वर्क? अब आप सोचिए, अगर ऐसा ही सोच लेते हैं, टॉप वन टू पे है और टॉप टू फोर पे है, टू प्लस फोर कितना हो गया? सिक्स। इज इट अ स्टैक ओवरफ्लो? नो, अभी तो थर्ड इंडेक्स खाली था। बिल्कुल सही आपने लिखा, ये तो बकवास ही है। आप मुझे बताएं, टॉप वन प्लस टॉप टू इज इक्वल टू मैक्स साइज, मुझे नहीं पता है लोग कैसे सोच रहे हैं। बट अब यहाँ पे दूसरा आइडिया आपको याद दिलाता हूँ, स्कूल का, बचपन में करते थे। देख, पता है मेरे हाथ में कितनी उंगलियां है? 11। वो बोलेगा कैसे करे? देख, 10, 9, 8, 7, 6, 6 और 5, 11। Isn't it? तो जिन लोगों ने इसमें टॉप वन प्लस टॉप टू इज इक्वल टू मैक्स साइज लिखा है, ये वो लोग हैं जो ये कहानी सुनाते नहीं थे, जो इस कहानी को सुनकर खुश हो जाते थे। अच्छा यार, 11 उंगलियां है, क्या बात है। अबे पागल लोगों, ये दोनों एक तरफ से नहीं चल रहा ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। फॉलो कर पा रहे इस बात को? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब ये क्या है? टॉप वन इज इक्वल टू मैक्स साइज बाय टू और लिख दिया, और टॉप टू इज इक्वल टू मैक्स साइज, या टॉप टू का मैक्स साइज से कोई लेना देना नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसका जो टॉप टू का जो इंडेक्स है वो मैक्स साइज रहेगा या मैक्स साइज से कम होता जाएगा? वो मैक्स साइज से कम होता जाएगा। इजेंट इट? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आई थिंक दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन पॉसिबल। टॉप वन इज इक्वल टू टॉप टू माइनस वन। भाई अल्टीमेटली सोचिए, ओवरफ्लो कहाँ होगा? अल्टीमेटली ओवरफ्लो कहाँ होगा? जब ग्रो करते करते ये एक दूसरे के एकदम एडजेसेंट आ जाए, इजेंट इट? तो मान लीजिए ये वाला स्टैक ग्रो करते करते थर्ड इंडेक्स पे आ गया, और ये वाला करते करते सेकंड पे आ गया। नाउ दैट्स ओवरफ्लो, दैट इज इट। सो फिलहाल टॉप वन जो है, एंड दैट इज टॉप टू, टॉप वन इज इक्वल टू टॉप टू माइनस वन, बिल्कुल, या टॉप वन प्लस वन इज इक्वल टू टॉप टू, एक ही बात है। डी इज द मोस्ट लॉजिकल वैल्यू। मुझे बताएं जल्दी से, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ये बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन हम धीरे धीरे इस टाइप के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन सोच रहे हैं। इस पर सोचेंगे, इस पर काम करेंगे, ताकि धीरे धीरे हमारा एक आइडिया डेवलप हो कि सोचना कैसे है। डी वाला बनाएंगे फिर से? बना तो दिया, फिर कैसे बनाऊं बताओ? आप रुक के सोच लो ना 1 मिनट, अपने हिसाब से ओवरफ्लो करके देखो। एक एरे बनाओ, उसमें एक स्टैक को लेफ्ट से राइट चलाओ, दूसरे स्टैक को राइट से लेफ्ट चलाओ, देखो कहां पे जाके दोनों मिल रहे हैं, और फिर देखो कि ये कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। टॉप वन इज इक्वल्स टू टॉप टू माइनस वन। शुक्र मानिए आप, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैं गालियां नहीं दे सकता। पवन, यू आर रिक्वायर्ड टू वॉच लेक्चर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड उसके बाद अगर आपको लगता है इन एनी स्पेसिफिक टॉपिक यू नीड सम सेकेंड एडवाइस और रेफरेंस, देन यू कैन गो एंड चेक आउट द बुक। शुभांग कह रहे हैं कि सर एक बार फर्स्ट वाला फिर से समझा दो। क्या नहीं समझे ये बताओ? एरे हमने लिया, इजेंट इट?
पॉइंटर्स हमने अपने हिसाब से बनाए। अबे वैल्यू रख के आंसर निकालना है, रखो जरा वैल्यू और मुझे बताओ। मत लिखो, बाकी कमेंट मत लिखो, वो ऑलरेडी बहुत सारे स्पैम चल रहे हैं यहाँ पे। प्लीज, जैसा मैं कल बोल रहा था ना, जो सच में आपको जेन्युइन है जेन्युइन नहीं, जो डाउट है सिर्फ वही लिखो। हाँ भाई शुभांग, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट वाला सही है गलत है, क्या लग रहा है? अभी लग आप एक बात समझे, अच्छा एफिशिएंट शब्द भी छोड़ दे, मैं तो कहता हूँ छोड़ दीजिए एफिशिएंट। ओवरफ्लो कब बोलना चाहिए हमें, व्हेन शुड वी लॉजिकली से ओवरफ्लो, बस ये बता दो मुझे। जब एक भी सेल खाली ना हो, इजंट इट, जब सारे सेल फुल हो जाए तब मुझे ओवरफ्लो बोलना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है दोनों स्टैक के लिए अलग अलग कंडीशन लिखा, और चलो बस मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूं, यहां देखना जरा। ये कह रहा है कि लुक एट दिस, लुक एट दिस, टॉप वन इज इक्वल्स टू मैक्स साइज बाय टू। मान लो कि टॉप टू के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? टॉप टू के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अब अगर ऐसा है और टॉप टू इंसर्ट करते जा रहा है, क्या इसे थ्री से आगे बढ़ने का अधिकार है? हाँ है। प्रॉब्लम क्या है भाई, जब टॉप टू के पास एलिमेंट ही नहीं है तो बढ़ने दो ना, स्पेस अवेलेबल है, क्यों रोकना उसे? जबकि ऑप्शन ए में लिखी थी टॉप वन इज इक्वल टू मैक्स साइज बाय टू, कहता थ्री तक ही आ सकता है, क्यों आ सकता है थ्री तक? ये किसने बोला कि आधा आधा बांट देना है दोनों को? आप समझ रहे हो, मुझे तो इसमें कोई सेंस लग ही नहीं रहा। अगर दोनों में से कोई एक आगे बढ़ना चाह रहा और दूसरे नहीं बढ़ना चाह रहा, तो कीप इट ग्रोइंग, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मुझे पता नहीं, हो सकता आप शायद ये बात पहली बार पूछ रहे हो या कोई और पूछ रहा हो। एक बार जब कोई कोर्स पब्लिश हो जाता है तो वो कोर्स का टाइम चेंज नहीं हो सकता है ना, तो अब ये जो कोर्स है ये 1 महीने तक इसी टाइम पे चलेगा, 7:30 to 9:30। इसमें सूट हो आपको, मुझे कोई इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, दैट इज ऑलरेडी देयर। जब मैं नया कोर्स डिजाइन करूंगा तो मैं एक बार आपसे सलाह ले लूंगा, उसमें भी इस बात को आप समझ लें, क्लास में 250-300 बच्चे हैं, यू यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम मुझे लगेगा, फाइनल कॉल मेरा होगा, मैं वही टाइम लूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके सो आप इस क्वेश्चन का पॉइंट समझ पा रहे हैं, दोनों को बराबर नहीं लाना है, दोनों में से जो भी पहले ग्रो करना चाहे कर सकता है, बट ऑब्वियसली एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, तो एक ही कंडीशन पे काम चलेगा। देखो मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूं, क्या मुझे नहीं पता कि हर किसी की क्या इंटेंशन होती है, बट मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कभी कभी ना अपने आप को भी बात का फील नहीं आ रहा होता, आधे लोग यहाँ पे सीरियस नहीं है अभी। ऑब्वियसली आपने पैसा खर्चा किया है, ज्वाइन किया है, आपके इंटेंशन पे मुझे शक नहीं है, बट द लेवल ऑफ सीरियसनेस एंड द लेवल ऑफ डेकोरम वी वॉन्ट इन द क्लास, कभी कभार अपन मजाक कर सकते हैं पर आपकी खोपड़ी में वही चलता रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना? सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज मेरे को फर्क नहीं पड़ना ना भाई, मेरे को सिलेबस पूरा करना है, डेट के हिसाब से करना है, वो मैं कर दूंगा, उससे कोई फर्क होना नहीं है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, अभी आप समझो इस बात को, नोबडी कैन क्वेश्चन मी इन द लास्ट, इजंट इट? क्लास में 2-4 बच्चे तो होंगे जो बहुत अच्छा रैंक निकाल देंगे, I'm satisfied with that. Teaching एक ऐसा फील्ड है, टीचर हमेशा बोलता है मैंने तो पढ़ा था, मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। अब आप अपने सामान के क्या बोलते हैं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो what I request you,
फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ लिटिल सीरियस, अगर कुछ चीज सच में लग रही हो आपको लॉजिकल है तभी कमेंट करें वरना ना करें। सेकंड थिंग इज व्हाट जो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ ना, आपको एटीट्यूड चेंज करना है। डोंट थिंक दैट इफ आई सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन 10 times तो आपको समझ आएगा, अगला जो क्वेश्चन गेट में पूछेगा वो नहीं बनना आपसे, ये तय है। पेपर उठा के देखो इस साल का गेट का, और जो लोग इस बार पेपर लिख चुके हैं वो अब इस बात की जमानत भर सकते हो, बता सकते हैं कि क्या गलती की। और अगेन सर सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वो इसलिए कि हमने आदत नहीं रखी है, हैबिट नहीं रखी है। सॉल्यूशन देख के समझ लेंगे वो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ वो बड़ा रिस्की है, बट डोंट बिकम एन अंशुल, इजंट इट? अंशुल नहीं बनना आपको भाई लाइफ में, प्रॉब्लम को खुद पढ़ना है, समझना है। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, बट अगली बार क्या क्वेश्चन पूछेगा नोबडी नोज ना। तो जब तक आप वैल्यूज रख के ट्राई करके नहीं देखोगे तब तक नहीं होगा ये, है ना। कल मैं डेटा स्ट्रक्चर स्पेशल क्लास ले रहा था, वह बच्चा वही बोल रहा है सर जैसा आपने बोला वैसे ही किया, लेकिन आधा करते करते रिकर्शन कुछ ज्यादा चल रहा था, डर लगने लगा, छोड़ दिया बीच में, नहीं समझ आ रहा सही कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि खुद करने की कोशिश ही नहीं की है। बस वैल्यू दिखा, आंसर पहले से देखा, मैच किया, अच्छा ऐसे हो गया। तो आप ट्राई करो, इन्वेस्ट करो, मैं हर क्वेश्चन में समय देने के लिए तैयार हूँ, आई बी वेटिंग, दैट्स ओके, टोटली कूल। लेकिन अब ये इतना घटिया क्वेश्चन है, मुझे शर्म आती है, मैं बार बार क्या बताऊं, और मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि यार बच्चा कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। अबे वैल्यू रख के देखोगे तो समझ आएगा तुमको, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ, जैसा भी कोई बोल रहा था अगली बार इसने इसमें 4 array ग्रो करा दिए, 4 इधर से उधर कुछ चला दिया और कंडीशन चेंज कर दी, कैसे करोगे बताओ? ये क्वेश्चन खत्म है, ये नहीं आना दोबारा, अगली बार वो नई कंडीशन से कुछ नया बना के लाएगा, फिर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वैल्यू रखो, उस पर काम करो, फिर आगे बढ़ो। इधर उधर के सवाल तो पता नहीं आप क्या क्या पूछ रहे हो, तो इसका ये करेंगे तो क्या होगा, उसका वो करेंगे तो क्या होगा, जहां वैल्यू रखना है वहां वैल्यू रखी नहीं जा रही आपसे, आप समझ रहे हो कि नहीं? तो हमें इन्वेस्ट वहां करना है, हमें एफर्ट वहां डालना है जहां जरूरी है, वहां डालो ना। आप ईमानदारी से रख के सोचना, बकवास सोचने में कुछ नहीं जाता, और वो भी जब आप सामने वाले को देना हो तो क्या ही टेंशन है, कुछ भी पूछो ना रैंडम, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क विद यू, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जहां जहां इमेजिनेशन चाहिए, जहां वैल्यू रखें, वो आप मुझसे बोल रहे हो बार बार कि सर एक बार और, एक बार और, एक बार और। अब लगाओ ना अपनी इमेजिनेशन, जितने बड़े वैज्ञानिक को रखते देखो वैल्यूज में क्या समस्या है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? सो व्हाट आई वांट, बहुत सारे क्वेश्चन, मैं कोई गुस्सा नहीं हो रहा, मेरा तो काम है हर साल का, ये मुझे आदत है, बट मैं चाह रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट सही डायरेक्शन पे आगे बढ़े। सो व्हाट आई वांट इज, उर्दू में एक शब्द होता है खुद मुख्तार बनना है आपको, क्या बोलते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाना है, समथिंग लाइक दिस। यस, सो आप जब क्वेश्चन पढ़े, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, नो डाउट इन दैट, बट जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको ये मान के पढ़ना है कि मैं अकेला हूं, मुझे इसे अकेले ही सॉल्व करना है, ये मान के पढ़ना है कि गेट का पेपर चल रहा है, और जो बोलता जाए लिखते जाओ, प्रोसेस करते जाओ, 10 में से 4 बार तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इजंट इट? ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, ये आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप इसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, मुझे फर्क पड़ता है कि आप ईमानदारी से इस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो करो ना एक बार। अब देख लेता हूं किसकी इमेजिनेशन है, अब जो इमेजिनेशन वाले वैज्ञानिक है वो बोलेंगे ये तो सर समझ ही नहीं आया, फिर अब इमेजिनेशन का क्या हुआ, अब लगाओ दिमाग एक बार, इजंट इट? 10 में से 6 लोग, 10 में से 5 लोग सीरियस नहीं होते हैं, बट आप इस बात को इंश्योर कर लीजिएगा कहीं दूसरे के चक्कर में आप तो अपनी लाइन छोड़ के मजे मस्ती में नहीं निकल गए, किसी के पिताजी का बिजनेस है या उसका क्या प्लान है आपको नहीं पता, आप अकेले हैं, अकेले ही रह जाएंगे, बीटेक पास होने दीजिए और फिर आपके खास खास दोस्त आपको नजर नहीं आएंगे। सो आपको अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है भाई। चलो अब इस क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, ऑब्जर्व करो, हो नहीं हो वो बाद की बात है।
जिन लोगों ने पहले सॉल्व किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया, मेरा सवाल है क्यों नहीं किया? स्टैक आज हमें पढ़ना था, उस पर ऑब्जर्वेशन करना है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, नहीं भी क्या, अभी पढ़ो एक बार। मैंने बीटेक कंप्लीट किया है। पवन बताओ भाई ने, अब जरा आपके जितने इतने दोस्त हैं जिसके लिए आप छत से कूदने के लिए तैयार रहते होंगे, अभी कितने हैं आपके पास? कितने आपको अपनी तनख्वाह का आधी तनख्वाह देते हैं कि पवन भाई जब तक तैयारी चल रही है आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, नोबडी विल बी देयर। अरे रुक जाओ, अभी भावनाएं चल रही हैं, फिर अलग क्वेश्चन। पता नहीं कहाँ का दिमाग भागता है। सुकृत, ये क्वेश्चन हो गया तुमसे क्या? तो भी चुप रहो, अभी टाइमर चल रहा है ना। हालांकि जी लिखने से मुझे पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ होगा, और ऑनलाइन में झूठ बोलना बहुत आसान होता है। अभी सामने होता तो कॉपी चेक कर लेता, कोई बात नहीं। ये बताओ, ये जो वीकली क्विज है ये मेरे कोर्स में नहीं दिखा रहा या किसी भी बाकी एजुकेटर के कोर्स में नहीं दिखा रहा है? अब इसमें भी आधे लोग बोलेंगे, मैं चेक कर लूंगा, मैं खुद चेक करूंगा क्या प्रॉब्लम है। आई विल वर्क ऑन दिस। अभी तो फिलहाल जो मैं देख रहा हूं वो किसी में नहीं दिखा रहा है। मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, वो अपडेट्स में आपको मिलेंगी। मैं भूल गया, उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको, देन आप फिगर आउट कर लोगे। अच्छा मुझे बताओ, कितने लोगों को थोड़ा बहुत ही सही बट कुछ समझ आ रहा है, कितने लोगों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा? अपने को नहीं परवाह, आप समझ रहे हो, बात सॉल्व करने की नहीं है। हर क्वेश्चन में अपनी पीठ थपथपानी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्वेश्चन सही होगा कि गलत हुआ। वो क्या मान के निडरता के साथ बिना डरे क्वेश्चन पढ़ना है। मैं किसी क्वेश्चन से नहीं डरूंगा, वरना मैं आपको सच बता रहा हूं, गेट के पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके हाथ कांप रहे होंगे। और क्वेश्चन सॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है बेटा, कोई चांस ही नहीं है सॉल्व हो जाए। आसान क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आप डर जाओगे क्वेश्चन पढ़ते हुए, इजंट इट? तो पहला इंटेंशन ये रखना है, जिन लोगों ने गेट लिखा उनसे पूछना आप। मुझे पता नहीं आप में से कितने को एक्सपीरियंस है, बट जो होता है ना, जो सिंपल क्वेश्चन था वो भी नहीं बन रहा था, वो भी गलत आप लिखोगे। बिकॉज आप अब ये देखो, आधे लोगों ने गेट लिखा इस बार, ये बताएंगे आपको अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। यस, तो आपको पहले बहादुरी से क्वेश्चन पढ़ना तो सीख लेना यार, बाकी तो बाद की चीज है। और पूरे साल प्रैक्टिस करोगे तब 1% चांस हो सकता है कि गेट में सही काम जो हो जाए, वरना वो टेम्परामेंट ही डेवलप नहीं होगा। सो नाउ चलो एक बार कोशिश करते हैं वर्ड बाय वर्ड। लेट, नींद ही नहीं आई थी, बहुत अच्छे।
लेट एस इज अ स्टैक ऑफ साइज एन इज ग्रेटर देन वन, एक स्टैक है, इतना तो समझ आ रहा है। तो मैं काम करूं, मैं एक स्टैक बना लू, जो चीज समझ में आए उसे साथ साथ विजुलाइज करते चलो, अब कितना स्पेस कम चाहिए कितना ज्यादा चाहिए तो वो अपन बाद में देख लेंगे। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टैक। सपोज वी पुश द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इन सीक्वेंस एंड देन परफॉर्म अ पॉप ऑपरे एन पॉप ऑपरेशन। ओके, ये बोल रहा है स्टैक के अंदर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अब एन की वैल्यू आप कुछ भी लो, तीन चार ले लेते हैं। ओके, लेट्स टेक एन इज इक्वल्स टू फोर, तो चार एलिमेंट पहले आप पुश करेंगे, फिर तो मैं इसको इसी तरह से रिवर्स कर लेता हूँ, 1 2 3 4, और जाहिर सी बात है बिकॉज रिवर्स काम करता है तो फिर ये चारों एलिमेंट ही आप पॉप करेंगे, इजंट इट? ठीक है, आगे देखते हैं इसके आगे क्या कहानी है। एज्यूम दैट पुश एंड पॉप ऑपरेशन टेक एक्स सेकेंड ईच। देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका एक कायदा है, वो कायदा क्या है, क्या पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेना है? नहीं, वो कहानी थोड़ी पढ़ रहे हो, तो एक एक लाइन पढ़ते जाना है, उसको डाइजेस्ट करते जाना, फिर आगे पढ़ना है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। तीन बार क्वेश्चन पढ़ोगे लगेगा समझ नहीं आया। वेरी गुड, आपको याद है जब सिक्स क्लास में पहली बार बच्चों को अच्छे मैथ के क्वेश्चन पढ़ना सॉल्व करना सिखाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले लिखवाते हैं गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है, फिर व्हाट इज टू बी रिक्वायर्ड, और फिर बच्चा सॉल्व करना स्टार्ट करता है ताकि उसे बचपन से आदत पड़ जाए, पहले ये तो एनालाइज कर लूं डेटा है क्या, इजंट इट? यस, सो एज्यूम दैट पुश एंड पॉप ऑपरेशन, कह रहा है एक्स सेकेंड लगता है पुश करने में, एक्स लगता है पॉप करने में, वाई सेकेंड इलेप्स बिटवीन द एंड ऑफ वन स्टैक ऑपरेशन एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ऑपरेशन। एक तरह का मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड, एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू करने के बीच में वाई सेकेंड्स का खर्चा होता है, ओवरहेड है। ठीक है, समझ लिया। अब बोल रहा है फॉर एम इज ग्रेटर देन वन, अब ये एम क्या है ये नहीं पता, आगे देखेंगे। डिफाइन द स्टैक लाइफ ऑफ एम एज द टाइम इलेप्स्ड फ्रॉम द एंड ऑफ पुश एम टू द स्टार्ट ऑफ द पॉप ऑपरेशन दैट रिमूव्स एम फ्रॉम एस। अच्छा, एम इसका मतलब कोई एलिमेंट है, ये किसी एलिमेंट की बात कर रहा और कह रहा है उसका लाइफ जो है स्टैक लाइफ वो क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पुश स्टार्ट एंड पॉप दैट रिमूव्स फ्रॉम एस, यानी के पुश होने के बाद और पॉप होने से पहले बीच का जो टाइम है वो उसका लाइफ टाइम कहलाता है। फॉलो कर पा रहे इस बात को? यानी कि किसी भी एलिमेंट ने कितना समय स्टैक में बिताया, किसी भी एलिमेंट ने कितना समय स्टैक में बिताया पुश होने के बाद और पॉप होने से पहले, और आपसे पूछ रहा है एवरेज स्टैक लाइफ ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, स्टैक का एवरेज लाइफ क्या होगा स्टैक के अंदर। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं एन का वैल्यू बड़ा करता जाऊंगा एवरेज लाइफ बढ़ेगा या कम होगा, बस ये बता सकते हो? कॉमन सेंस बढ़ेगा, इजंट इट? बिकॉज जितने ज्यादा एलिमेंट है वो इतना ज्यादा समय खर्चा करना पड़ेगा। नाउ हाउ कैन देन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी कैन बी करेक्ट आंसर, 100% बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग? सोचो जरा, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ एक्स और वाई लिखा हुआ है, एन तो कोई पार्टी है ही नहीं यार, एन पे भी तो डिपेंड करेगा ना, इजंट इट? सोचो आप, एन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा एवरेज लाइफ भी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में तो एन को पार्टी ही नहीं बनाया। अब जिन लोगों ने बी या डी आंसर किया, आप सोचिए कि ये बात अपने को सोच लेनी थी पहले, बट कोई बात नहीं, जहां तक भी पहुंचे मोस्ट वेलकम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही सही तरीका है कि मैं आपको वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करके दिखाऊं, और जिस तरह टाइमिंग चार्ट बनाते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम में जब सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं, उसी तरह वैल्यू बाय वैल्यू मैं आपको आगे लेके चलो। सबसे पहला एलिमेंट कौन आपने इंसर्ट किया? वन। अच्छा, तो वन मान लीजिए इधर आपने इंसर्ट किया, उसके बाद कुछ टाइम बीच में वेस्ट हुआ होगा, जैसा वो बोल रहा है ये मैं टाइम बना रहा हूँ, वन के बाद टू को इंसर्ट करने का टाइम, देन सम वेस्टेज, हम फोर के लिए कर रहे हैं सॉल्व, देन थ्री को इंसर्ट किया, देन अगेन सम टाइम, देन फोर को इंसर्ट किया, एंड अगेन सम टाइम। सो दिस इज एक्स, दिस इज यस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई,
एंड दिस इज अगेन एक्स एंड अगेन वाई, फॉलो कर पा रहे? यही सीक्वेंस है ना, टाइमिंग के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। पुश करने में एक्स टाइम लगता है और दो पुश के बीच में वाई यूनिट वेट करना होता है। अच्छा, व्हेन यू कंप्लीट द पुश ऑपरेशन, फिर आप क्या करेंगे? पॉप करना चालू करेंगे। सो अब पहले कौन पॉप होगा, वन या फोर? स्टैक है, पहले फोर पॉप होगा। सो यू पॉप फोर एंड देन यू वेट एंड देन यू पॉप थ्री एंड देन यू वेट एंड देन यू पॉप टू एंड देन वेट एंड देन यू पॉप वन एंड दैट विल बी ऑल लाइक दिस। आगे का मैं पता नहीं, लास्ट में हमें टाइम लेना है कि नहीं लेना है, समथिंग लाइक दिस। उसकी शायद जरूरत भी ना पड़े, है ना? अब अगर मैं वैल्यू बाय वैल्यू आपसे पूछूं और स्टार्टिंग यानी कि लास्ट में जो एलिमेंट है उस पर काम करना आसान होगा, आप मुझे बताएंगे फोर ने कितना समय बिताया स्टैक के अंदर? आई थिंक ओनली वाई। क्या क्या लिख रहे हो, ध्यान से सुनो तो मैं क्या पूछ रहा हूं। फोर ने कितना समय बिताया? बिकॉज अगर ध्यान से देखोगे, इस टाइम तक तो फोर का इंसर्शन ही चल रहा था, पुश ही चल रहा था। यहां पर पुश कंप्लीट हुआ, इधर से पॉप चालू हो गया, तो पुश और पॉप के बीच का समय यानी कि सिर्फ ये वाई यूनिट के लिए फोर कंप्लीटली स्टैक के अंदर था। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यस। ओके, अब आगे समझिएगा इस पॉइंट को, आगे इन्वेस्ट करिए, आगे इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। आफ्टर फोर अगला वैल्यू क्या है? थ्री। फिर आप मुझे बताएं थ्री का पुश कहाँ कंप्लीट हुआ? आई थिंक इधर। और थ्री का पॉप इधर से चालू हो गया। कितना समय? एक दो, आई थिंक तीन बार वाई है और दो बार एक्स है, सो दैट इज 2x+3y। एक दो वैल्यू पे आप काम करोगे, धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ आने लगेगा। यस। अब जरा बताओ एलिमेंट टू कैसे आगे बढ़ेगा? टू आई थिंक अगर मैं नीचे बनाऊं, इधर से इधर तक आई थिंक टू की कहानी चलेगी। एक दो तीन चार पांच और एक दो तीन चार, वेरी गुड। 4x+5y। अब तो अगला आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ये दो दो बढ़ रहा है, ये भी दो दो बढ़ रहा है, दैट मस्ट बी 6x+7y, इजंट इट? वन के लिए आपको निकालना है एवरेज, एवरेज पूछा है ना, एवरेज लाइफ टाइम। सो निकाल लो एवरेज, क्या होगा? दैट इज 12x+ हाउ मेनी वाईज आर देयर? 5 + 3 8 + 15 + 1 16y, और चार एलिमेंट लिए थे, डिवाइडेड 5 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 3x+4y। फॉलो कर पा रहे? अब आप मुझे बताएं यहां पर किस आइडिया के थ्रू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैन दिस ऑप्शन सी वर्क्स नाउ? बिकॉज इधर अगर मैं इनकी वैल्यू 4 रखूंगा तो मेरे को मिलेगा 4x+4y, बट इधर रखूंगा इनकी वैल्यू 4 तो मेरे को मिलेगा 4x+4y - x, ये दैट इज 3x+4y। सो आई थिंक ऑप्शन सी इज बेटर। मुझे बताएं रिलेटेबल है, फॉलो कर पा रहे? यस। बट अगेन देखो पॉइंट वही है जैसा मैं बोल रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमेशा के लिए। ये मुझे बताओ अब इस क्वेश्चन में जान बची क्या? नहीं। इस क्वेश्चन का मजा सिर्फ तभी तक था जब तक हमने इसे सॉल्व नहीं किया, तभी तो कर लिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन और अगर अभी आपने सॉल्व नहीं किए, वो कुछ गिनती के हैं। अगर वो सारे क्वेश्चन आप मुझसे सॉल्व करा लोगे तो फिर उस क्वेश्चन का मजा बचेगा नहीं। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी मैटर आई कैन, बट पहला एफर्ट खुद करना है। एक एक लाइन को ध्यान से, एवरी क्वेश्चन इज लाइक अ पजल, इजंट इट?
और हर पजल आपको सॉल्व करना, उसे पहेली मान के सॉल्व करो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। एवरी क्वेश्चन इज एन अपॉर्चुनिटी जो आपको एक मौका देती है अपने आप को साबित करने का, एक मौका देती है अपने माइंड को कंट्रोल करके एक जगह लगाने का, वरना माइंड तो इधर तो भाग रहा होता है। आप सोचो जहां एक जगह लगाने की बात है वहीं आप बोलते हो सर नहीं बन नहीं पा रहा, कॉन्सेंट्रेशन वीक है, समझ नहीं आ रहा। समझने की बात नहीं, आपका दिमाग डरपोक हो गया है समय के साथ, ये सच्चाई है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक की रील स्क्रॉल करते करते आपके दिमाग को आसान काम करने की आदत लग गई है बस। आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके एफर्ट करते रहना है, करते रहना है, एंड देन योर माइंड विल बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। आप मुझे बताओ बाद में, नौकरी तो हर किसी को चाहिए, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, मेरे को गूगल में काम करना है, मेरे को फेसबुक में काम करना है, 12-14 घंटे अमेजोन में काम करना है, 12-14 घंटे कोड लिखने की हिम्मत है आप में? आप तो वहां भी बोल दोगे 10 मिनट के बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या करेगी कंपनी आपका? Isn't it? Will there be somebody to teach you? Project manager एक कोड देगा, बोलेगा गलती है, कुछ बग है, जरा रिजॉल्व करो इसको, और क्लाइंट गालियां दे रहा है बैठ के। रशिया में कोई सेलर है अमेजोन पे जो अपना डेटा नहीं फीड कर पा रहा है, अब आप रात को 3 बजे लगे हो सकता है आप 2 बजे ही सोए हो, फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये कि प्रेशर में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, फिर वहां यही बोल दोगे हमने समझ नहीं आ रहा, ये हम रिलेट नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको क्या समझाऊं, आपको ट्रेनिंग हो रही है आपकी, आपको लगातार 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 किसी भी प्रेशर में, किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल टेम्परामेंट के साथ कूल होके चीज को पहले समझना है, फिर सॉल्व करना है। इजेंट इट भाई, काम के पैसे मिलते, बिना काम करे कोई पैसे नहीं दे रहा है, इस बात को समझो आप। अगर कोई कंपनी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के पैकेजेस दे रहे हैं, तो उन लोगों का आप टैलेंट समझ रहे हो जो वो पैकेज ले रहे हैं? तो दे आर रेडी टू वर्क 24/7 एंड दे आर रेडी टू रीड कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड सॉल्व देम। ठीक है, अभी बताएं जरा इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कभी मत मानिएगा कि आप बुद्धू हैं, आपको समझ नहीं आता कुछ ऐसा। आप कोशिश करते रहिए करते रहिए, धीरे धीरे चीजों के साथ आप रिलेट करने लगेंगे। अब ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके ओके, अच्छा एक दो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। अब इस क्वेश्चन में जाहिर सी बात है डायरेक्टली कुछ सॉल्व नहीं करना, इजेंट इट, लेकिन ये आपकी अभी जो इस साल क्वेश्चन पूछा, इतना घटिया क्वेश्चन पूछा है स्टैक के ऊपर, सिर्फ पुश पॉप करा है, लेकिन बस वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहा है एक नंबर में कि बच्चे को कम से कम ये तो आता हो। ओके, सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि यहां पर यू नो स्टैक विल वर्क फाइन फॉर दिस? द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज बैलेंस पैरेंथेसिस। आई थिंक जो लोग टीओसी पढ़े हैं, कैन यू रिलेट इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज इन ऑर्डर, यस और नो? यस, तो ओपन ब्रैकेट आएगा पुश करते जाना है, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा हर स्टैक के लिए पॉप करते जाना है, बहुत डायरेक्ट अप्रोच है। धीरे धीरे जब हम ऑब्जर्व करेंगे स्टैक को, टेम्परामेंट डेवलप होगा, बस अच्छे से इसको कर सकते हैं। ओके,
एक क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस का है। पहला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, अदरवाइज इसके बैकग्राउंड में जो इसका मैथमेटिक्स है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई दिस वन। पोल नहीं मैं चला रहा, पहले क्वेश्चन समझो उसने क्या बोला। इफ द इनपुट सीक्वेंस इज 1 2 3 4 5, देन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टैक परम्यूटेशन, यानी के पॉसिबल पॉप सीक्वेंस। पुश किस सीक्वेंस में करना है वो आपको बताया जा रहा है। 1 2 3 4 5, सिर्फ इसी सीक्वेंस में पुश करना है। पॉप करने के लिए कोई सीक्वेंस है क्या? नहीं, पॉप करने के लिए कोई सीक्वेंस नहीं है। एज पर रिक्वायरमेंट आप जिस ऑर्डर में चाहे उस ऑर्डर में पॉप कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो पॉप सीक्वेंस है वो पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द सीक्वेंस और रॉन्ग स्टैक परम्यूटेशन। पोल की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन में आपको इन्वेस्टिगेट करके दिखाना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, स्टैक हमारे पास है, हमने सबसे पहले पुश किया, सॉरी इधर से चालू किया, हमें सबसे पहले चाहिए 3। तो 3 के लिए 1 2 और 3 तो पुश करना ही पड़ेगा, इजंट इट? और उसके बाद जब आप पॉप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? इस तरह का पैटर्न बिल्कुल सही बात है, मैं स्कीम आ सकता है। देन नेक्स्ट चाहिए 5। अभी 5 तो पुश ही नहीं किया, तो 4 और 5 तक अब आपको पुश करना पड़ेगा। और अब आप देखेंगे 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 मिलेगा एंड 1 मिलेगा। कैन यू ऑब्जर्व नाउ? ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? वेरी गुड। तो बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ये सीक्वेंस बताएंगे अभी 2 3 4 5 1। सो 1 पुश करूंगा, 2 पुश करूंगा, 2 मिलेगा, देन 3 पुश करूंगा, 4 करूंगा, 4 मिलेगा, देन 3 मिलेगा, देन 5 पुश करूंगा, पॉप करूंगा एंड देन 1। सीक्वेंस हो सकता है। अब जरा आप मुझे बताओ डी के साथ क्या प्रॉब्लम है? इसको पहला एलिमेंट ही 5 चाहिए, इजंट इट? अब 5 का मतलब है मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है आपके लिए, आपको 1 2 3 4 5 पांचों एलिमेंट पुश करने पड़ेंगे, है ना? अगर आप पॉप करना चाहोगे तो 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, पहले 2 मिलेगा फिर 1 मिलेगा, ना कि पहले 1 फिर 2। सो दिस कैन नॉट बी अ पॉप सीक्वेंस। पॉप करने का ये सीक्वेंस नहीं हो सकता। ये भी आई थिंक वैलिड है। अब मुझे बताएं आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अगर इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ठीक है, एक और करके बताओगे? अच्छा, एक गलती से ऑप्शन ये 2 बार हो गया है, ये लास्ट वाला भूल जाओ, अभी बताओ। ABCD 4 ऑप्शन है, सेम वैल्यू है क्या एकदम? अच्छा ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो फिर आंसर बता दो। एक और बात है शायद कि इस क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशन कैन बी ऑब्टेंड इन द आउटपुट, उल्टा पूछा है, इजंट इट? इसमें नॉट नहीं पूछा, एक्सक्यूज मी। अच्छा,
हमें वैलिड देखना था ना, एक एक करके अगर देखे तो फर्स्ट वाला बताओ, 3 4 5 2 1, तो 3 जाहिर सी बात है आप 1 पुश करेंगे, 2 करेंगे, 3 पॉप करेंगे हो जाएगा, फिर 4 पुश करेंगे पॉप करेंगे, आई थिंक दिस इज इनवैलिड, नहीं होगा ये, फॉलो कर पा रहे हो? क्योंकि पहले 1 है फिर 2 है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनवैलिड, ऑप्शन छोड़ दो आप डायरेक्ट देख लो, फर्स्ट ऑप्शन इज इनवैलिड। इधर आ जाऊं, आप 1 पुश किए, पहले 1 पुश किए, 2 किए, 3 किए, 3 प्रॉप किया, 4 पुश किया, 4 पॉप किया, 5 पुश किया, 5 पॉप किया, 2 पुश किया, पॉप किया 1, आई थिंक ऑप्शन बी इज वैलिड, बी वैलिड है, यस। इधर देखना, 1 पुश किया, पॉप किया, उसके बाद 2 3 4 5 पुश किया, पॉप किया, देन ओके, दिस इज आल्सो इनवैलिड। तो ये सेम ऑप्शन तो नहीं है भाई जो आप लास्ट क्वेश्चन का बोल रहे थे, दिस इज डिफरेंट, यस। और इधर देखिए, ये ऑप्शन हालांकि सेम है, 5 क्योंकि चाहिए तो 1 2 3 4 5 आप पूरा रखेंगे, पॉप करेंगे 4, बट लास्ट में अगेन 2 1 आएगा ना कि 1 2, तो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, इजंट इट? तो यहां पर सिर्फ एक ही आंसर वैलिड है, विच इज बी। मुझे बताएं एक बार रिलेट कर पा रहे हैं क्या? रिलेटेबल है, सिंपल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉलो कर पा रहे हैं? ओके okay. तो देखिए अगेन, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे क्या चाहता हूं कि 1 बाय 1 वैल्यू के हिसाब से पूरा पैटर्न अपने को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन कोई बात नहीं समझ आ रहा, अभी तो फॉलो कर पा रहे हैं ना कि स्टैक परम्यूटेशन पे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे हैंडल करना है। यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, संचित जैन ऑफिशियल इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, वहां पे आप पिंग करो, आई ट्राई टू टॉक टू यू। फोर के बाद किस ऑप्शन की बात कर रहे हो पुनीत, इन विच ऑप्शन यू आर टॉकिंग? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, ये रिपीटेड लिखा गया, छोड़ दीजिए उसको, इट्स लाइक दिस 1 2 3 4 5, जैसे मैंने रिक्वेस्ट वो ऑप्शन में हटा दिया ना, वो डबल लिख दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इट इज 1 2 3 4 5। हाँ, मैं टेलीग्राम का लिंक जरूर दे देता हूँ, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन, दैट विल बी द फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी एंड बिटवीन यू एंड योर अदर स्टूडेंट पार्टनर्स। यार ठीक है, मैं अभी आज कराता हूँ इस काम को, मैं कोशिश करूंगा शाम की क्लास से पहले आप अनब्लॉक हो जाएं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा, वहां पे अगेन बस मैं वही बोलूंगा, उसने एलिमेंट बताया, इंडेक्स नहीं बताया, तो इस वजह से हमें -1 करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट से हमने काउंट किया था। और गेट के अंदर भी देखिए, हर क्वेश्चन का डेफिनेशन एकदम क्लियर है ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यस। चलिए, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करता हूँ, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ओके बाय।